हम लोग लाइव नहीं है, ये खुजली नहीं आई चैट में? क्या बात करो, क्यों आई भाई? नहीं भाई हम लाइव नहीं है, जाओ उस पे। क्या लाइव है क्या? हम पक्का? अरे यार कुछ देख तो लिया चैट ने? अच्छा वो नहीं देखा ना जो हमने दिखा रहे थे उनको? बढ़िया भाई, और एक बार दिखा दें फिर। चलो बस बस सब सॉर्ट है, सब रेडी है दोस्तों, वी आर ऑल सेट। हमको लगा था हम लाइव है, हमने पहले 5 मिनट ऐसे बर्बाद कर दिए। और एनीवे तो भाई स्लो मोड ऑन कर दो चैट में पहले। तो आपने कभी किया है? अरे ये क्या कर दिया, स्लो मोड ऑन कर दो 15 सेकंड का दोस्तों। वेलकम वेलकम वेलकम, नो साउंड सूर्य, नो साउंड सूर्य, नो साउंड करिए जनता। माइक पे करो ऑडियो कैप्चर डिवाइस की जो सेटिंग्स है वो करो। हाँ ओके ओके, नाउ इट शुड बी फाइन। ऑल फाइन, बढ़िया। तो आपकी आवाज नहीं है मतलब जब मैंने ये किया था आपको? हाँ ठीक है, वो एक्सप्रेशन ही काफी है भाई तो लगा दो फिर आप अपना वो, एक तो स्लो मोड लगा एक दो स्लो मोड लगा देता हूँ सबसे पहले, और एक सबसे अपना ऊपर। बोर्ड लगा दो, मैं पानी भर के आया तब तक। ऑल गुड नाउ, ऑसम ऑसम, ऑल गुड। या गाइस, आई ओपन द डिस्कॉर्ड, आई हैव नो आइडिया हाउ इट फंक्शंस, बट प्लीज डू जॉइन एंड या विल आई विल होपफुली लर्न ऑन द प्रोसेस। सो अंटिल समय कम्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग I am going to teach Samay. I don't know if he knows. Most of you are aware of such positions. Bro, पता है तुमको क्या? ये पता है अरे क्या भाई होता? आते ही ब्यूटीफुल पोजीशन, नहीं, ये बहुत चेकमेट है ना ये सिंपल। तो। नहीं, ये बहुत सिंपल है। क्या चेकमेट है? किंग G6 पे किसकी होता बारी? है, वाइट की। ओके अच्छा पजल, अबे किसकी? ब्लैक टू मूव है ना ये? हाँ। एक ही मूव है ब्लैक के पास, फोर्सिंग। कैसे? क्या? ओके पर हमें करना क्या है? आर वी प्लेइंग एज ब्लैक एंड डिफेंडिंग दिस पोजीशन We are trying to win. एज ब्लैक? कैसे जीतेंगे? ड्रॉ ही करना होगा ना। सॉरी भाई, बढ़िया मजा ले रहे हो भाई। ओके ब्लैक टू ड्रॉ, इफ आई टेक दिस कम हियर। हाँ ब्लैक किंग टेक्स ऑन G7 बिकॉज देन द व्हाइट बिशप कैन नेवर डिफेंड द ब्लैक स्क्वायर। करेक्ट, सो दिस इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू नो, लाइक दिस इज लूजिंग बट दिस इज ड्रॉ बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग कलर स्क्वायर, तो ये तुमको पता है राइट? हाँ ओके, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट पोजिशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोजिशन? दिस पोजिशन इज इधर वो इधर आएगा, मैं इधर आऊंगा। हाँ दिस इज 1 सेकेंड, लेट मी थिंक अगेन। इट इज ड्रॉ इट्स ड्रॉ या बिकॉज या बिकॉज लाइट स्क्वायर बिशप मैक्स विल कम टू G8 बट देन विल कम बैक टू H8। हाँ, तो हम लोग मतलब जिंदगी भर सिर्फ King G8 King H8 खेलेंगे, और जब भी वो स्क्वायर कंट्रोल करेगा देयर विल बी अ स्टेलमेट हाँ राइट? सो वी सॉ दिस पोजीशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस इज ओ नाउ इट्स जस्ट टू मूव नो। आई थिंक दिस इज वाइट इज विनिंग बिकॉज एट 1 पॉइंट किंग विल कम टू F। नो दिस ऑल्सो ड्रॉ हाउ? बिकॉज वेन द किंग विल ट्राई टू कम टू F7 द किंग विल कम टू H8 एंड इट वॉन्ट हैव अ मूव। ओके, बट देर इज वन मोर ट्राई। लेट्स आई प्ले दिस, यू प्ले दिस एंड आई प्ले दिस। देन आई प्ले किंग H7 बट यू स्टिल गेट द पॉन। नो King H7 यू कैनॉट हाँ प्ले, यू मीन वाई? किंग हियर, हाउ यू विल गो? यू मीन G8 यू विल गो? मेरा पॉन है ना यहाँ पर। हाँ सॉरी सॉरी
ओके आई विल गो किंग किंग जी एट. एंड देर इज नथिंग टू बी डन. पता देयर इज है, नथिंग. हाँ एक बार मुझे इफ यू याद टेक है, आई टेक. हाँ करेक्ट, एक बार मुझे याद है हम लोग कुछ अंडर 10 नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे थे, और लाइक बहुत बच्चे, तो सम किड एक्चुअली प्लेड दिस. उसको लगा इधर जाएगा ऑपोजिशन डाल देगा, बट ओपोनेंट इसको मार दिया. अभी बेचारे का ये पॉन क्वीन नहीं हो रहा, ये वाला आ गया आ गया. कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं करेंगे भाई. भाई ओके मुझे ठंड लग रही है, मैं एसी ऑफ कर रहा हूँ, एक सेकेंड. हाँ भाई आई एम बैक. अरे दैट वाज फास्ट. एसी ऑफ करना है बस. तो हम लोग अभी तक तीन देखे, एक ये तुम बोले ड्रॉ, दूसरा ये तुम बोले ड्रॉ, नाउ दिस वन. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इंस्टेड ऑफ किंग ऑन h8, नाउ द किंग इज ऑन f8 एंड इट्स वाइट टू मूव. ओ इट्स वाइट टू मूव देन इट्स विनिंग बिकॉज किंग सॉरी बिशप डी फाइव फर्स्ट बट देन बिशप डी फाइव बट विल आर किंग बी एबल टू गो देयर एंड अटैक द जी सेवन पॉन. लेट मी थिंक. बिशप डी फाइव बोल रहे मेरा वॉइस अप करो, मतलब चेक इससे चेक मैक्सिमम चेक. तुम्हारा ठीक है, तो मेरा मेरा काम कर थोड़ा. दो ना फिर इक्वल हो जाएगा. हाँ ओके आप कुछ बोलो. हाँ ठीक आ रहा है अभी. ओके मेरा थोड़ा और कम कर सकते हो. चेक 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 चेक. हाँ ठीक है आई थिंक. अनलेस आई शाउट लाइक दिस देन इट्स कम डाउन अगेन. थोड़ा कम कर दो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ. हाँ ओके. आई डोंट नो हाउ आफ्टर बिशप डी फाइव द ब्लैक किंग कैन डिफेंड द पॉन बट आई डोंट थिंक इवन हाउ वी कैन अटैक बिकॉज किंग विल बी कीप गोइंग ई एट एंड एफ एट. ब्यूटिफुल. सो तुम बोल रहे हो कि इट्स द सेम स्टोरी वेदर इट इज हियर और हियर, राइट? वी काइंड ऑफ स्टे हियर इन दिस 3 स्क्वायर्स एंड देर इज नथिंग वाइट कैन डू अबाउट, लाइक कैसे रोकेगा. और यहाँ पे जाएगा तो हम लोग छुप जाएंगे, और अगर वैसे नहीं खेला कुछ ऐसे खेला तो भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे. तो ये जो जोन है हम लोग इससे बाहर नहीं आ रहे, और एक बार यहाँ पहुँच गए तो ड्रॉ ही हो गया, लाइक यहाँ पहुँच गए तो ड्रॉ ही है. सो हाँ दिस इज अ फोर्ट्रेस ऑल्सो, लाइक यस्टरडे वी आर ओ टॉकिंग अबाउट फोर्ट्रेस, दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ फोर्ट्रेस. देर इज नो वे वाइट कैन पेनिट्रेट. ये गॉट तीन इट. पोजिशन मैं तुमको दिखा रहा था बिकॉज यस्टरडे इन श्रीनाथ स्ट्रीम वी आर टॉकिंग अबाउट अ गेम एंड दैट वॉज दिस गेम. लेट मी पुट इट इन OBS. दिस वॉज प्लेड इट्स इन अ क्लासिकल टाइम कंट्रोल. इट्स बिटवीन अनिश गिरीज वाइट एंड सैमुएल अनिश इज वाइफ. व्हाइट. अनिश इज व्हाइट अच्छा अनिश इज वाइट. ओके एंड शैंकलैंड इज ब्लैक. तो तुम रेटिंग देख लो, एक का 2783 एंड दूसरे का 2725, एंड दिस वॉज वाइक 2019. सो दिस पोजिशन अनिश प्लेड h3. तो फाइन सैम सेड आई विल टेक द पॉन. खेला मारा तो अनिश ने क्या किया, बोला नाइट को ट्रैप कर दिया. अब बोला डोमिनेट मैं, कर दिया. हाँ बोला मैं ऐसे आके खा जाऊंगा. सैम हाँ खेला King d6, नाइट खाने आ रहा है वो खेला ये. उसको लगा यहाँ जाएगा, लाइक इफ यू प्ले King g4 हियर आई विल अटैक योर बिशप. नाउ इधर यू हैव टू रिलीज दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर एंड माय नाइट एस्केप्स. या तो अनिश बोला चल झुक जाओ, नाउ यू कैनॉट मूव द नाइट, एंड वॉन्स यू मूव द किंग लाइक यू हैव टू गो इधर हियर हियर और हियर, एंड वॉन्स यू गो देयर आई विल पिक अप योर नाइट एंड देर इज अ वीडियो. King g4. या आई विल प्ले King g4 एंड टेक द नाइट. देर इज अ वेरी फनी वीडियो जहाँ पे सैम रिजाइन करता है यहाँ पर, एंड अनिश बिफोर शेकिंग हैंड्स ही आस्क्स सैम शैंकलैंड डू यू रिजाइन. बोलता है येस. दिस इज द पोजिशन यू सॉल्व. या नाइट चला गया तो क्या हुआ, वो तो फोर्ट्रेस है उधर. सो यू जस्ट कीप गोइंग देयर. क्या किंग सो सी बेसिकली फोर सिक्स. सैम सॉ दिस हियर, नो नॉट फ्रॉम देयर एक्चुअली, फ्रॉम इवन एक्चुअली इवन फ्रॉम हियर, जस्ट टू मेक इट प्रिसाइज. तो सैम ने ये देखा और ये देख के छोड़ दिया. उसको लगा मैं तो यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, देन इट इज लॉस्ट. बट इवन दिस इज अ फोर्ट्रेस, जस्ट वॉट वी सॉ, यू नो. तो अनिश को पता था इसके बारे में. अनिश को पता था ऑफकोर्स. ओह डैम. सैम शैंकलैंड रिजाइंड इन अ कंप्लीटली ड्रॉन पोजिशन.
But you know what I appreciate. Sam is my very good friend. He has come to Kolkata twice. He has stayed in my house. We have trained together. I have gone to his house. What I really find very impressive was this is 11th round. He loses this. And then entire world media was like chess pe jahan pe bhi hai sab aisa bolta, you know, like how a 2700 can play like this. Tumko basic fortress pata nahi hai, tum aise kaise haar gaye, resign kar diya. Then next two games he plays Kramnik and Nepomniachtchi. Dono ko maar deta hai. Oof. So this also shows a lot of mental strength. Ki ek aisa aisa aise haarne ke baad bhi, you know, you come back. So chess is lot about that, like how much emotional strength you have. Damn interesting. Yeah. You are white. Do you know this position? White to play. If I just keep going king f2, king f1, how will black come out? Correct. The only question is, one day, imagine your king is on f2 and he plays knight d2 or knight g3 or knight e3. Then you cannot come to f1, and that means you will either have to leave this square or this square. Likewise, but why can't I come to king f2? So when your king is on f2, if I play, imagine like I play knight d2. Okay. Okay. Likewise, let's say you play king f1 at exactly at that point. If I can play knight e4, so then you cannot play king f2. फिर तुमको इधर ही जाना होगा. Then I'll play king g2. So the question is whether to come here or here. So this position main dikhata hu, to give a simple explanation. Okay, knight can never lose a tempo. Every other piece can more or less lose a tempo. Knight ka aisa hai na, it's a very interesting thing. Main tumko bolta hu ki this knight can reach, let's say this square, it can reach on two move, it can reach on 4, 6, 8, you know, 100, 142, but it cannot reach on odd numbers. Because every odd number, it will be on black square. Every even number, it will be on white square. So you cannot get that knight to d5 at, let's say, on 7th move. But you can get it on 8, 10, you know, 2, 4, whatever. So to solve this problem, like even if you want to solve in 1 second, basically, sochne ka aisa rehta hai, ek to calculate kar sakte hum log. You know, like king f1 खेलूंगा तो knight c7 आएगा, f2 खेलूंगा तो d5 आएगा, ऐसा करके we can calculate. Or we can do it in a smart way. What is the smart way? The smart way is, if I play, let's say king f1, at that point he must come to white square in order to beat me. Right? Yeah. You're getting it, right? Because when I play king f1, I'm understanding. He has to come to this 5 square in order to take the critical square away from me. So when I go to white square, he must go to white square, which right now he cannot do. And if he cannot do right now, he cannot do it in rest ever, of his life. Because knight can't lose a tempo. Because every other move, it will be in a different correct square. So basically, with that logic, you just put it on white square without calculating. अभी उसको कुछ भी करने दो. Each time, what will happen is he will miss the square. वो check से आएगा. फिर उसका move हो जाएगा. फिर उधर जाओगे, फिर से उसका move हो जाएगा. And he will be like completely frustrated, like can never get there. Knight can't lose. मैंने कहीं पे सुना था ये, पर मेरे को कभी समझा नहीं था ये ढंग से. आज मेरे को समझा है कि knight can't lose a tempo का मतलब क्या होता है. Knight cannot lose a tempo. It's a very interesting way concept. मैं जब बहुत छोटा था, I think I learned this at the age of 6 or something, and this was very instructive for me. Yeah. Okay, like this white square, black square thing. Sorry, बोल दिया तुमको, ठीक है, दिखा दिया था. चलो, let's say if you have king and two bishops, I have only one king. ठीक है, and I have king and two bishops. You have only one king. I can mate you. It's your move, and two bishops are of different color. Yeah. पक्का. Yeah. कर दोगे? हाँ. चलो. I will set. मैं कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, पर होता तो है, इतना तो पता है. ठीक, I will set the position, but. Done. तो ये पोजीशन है, मैंने इसको मारा, तुम्हारा मूव है. या ओके, ऐसा पोजीशन दोगे तो कैसा होगा सूर्य भाई? ऐसा स्टेलमेट करके दोगे तो कैसा होगा? बताओ
I'm appreciating that now. At least I understand these chess jokes. ये ये मैं क्वेश्चन किसी और को फाइन नहीं लगेगा भाई, मेरे को फाइन लग रहा है क्योंकि मेरे को समझा क्या हो रहा है। एग्जैक्टली नो, ये मैं बचपन पे काफी लोगों को करता था। इट से यू नो एंड इट्स अ लीगल पोजिशन, इट कैन एक्चुअली हैपन इन अ बोर्ड। सो इनिशियली दे विल से यू नो लाइक इट्स अ डिफरेंट कलर लाइक बिशप का, मैं बोलूंगा हाँ, एंड देन आई विल गिव देम दिस पोजिशन एंड देन सडनली इट्स अ स्टेलमेट। ये वही वाला है ना कि भाई मैं एक चीज आंख बंद करके करूंगा, आप आंख खोल के करोगे क्या? करोगे? हाँ बोलो करोगे। ठीक है चलो। ये वही वाला है भाई, हम ये वाला करते थे बचपन में। एक और है, ये मेरा दोस्त ने कंपोज किया है, संदीपन चंदा, ही इज अ ग्रैंड मास्टर। तो उसने ये कंपोज करने के बाद उसने वो इवेंचुक को भी भेजा था, काफी लोगों को दिया था। इवेंचुक को काफी दिन लगा ये सॉल्व करने को। भाई ओबीएस पे मेरे को मेरा आवाज ग्रीन में भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दोगे ओबीएस में? हाँ, एकदम एकदम या इवान चुक को भी नहीं आया था? इवेंचुक को लाइक ही डिडंट गेट इट इन लाइक इमीडिएटली। ओके फिर तो तो मेरे को आ जाएगा। हाँ, तुमको तो आ जाएगा। वो याद नहीं है कि हमने वो तुम ताल का प्रॉब्लम दिया था, एंड यू आर लाइक, मैं बोला था ताल ये सॉल्व नहीं कर पाया, एंड यू आर लाइक हाँ रुका रुक जा सोचने दे। सोचता हूँ, चिंता मत करो, मैं हूं पंचलाइन ना। बढ़िया दिया आपने। हाँ, तो इवेंचुक का, संदीपन का जो प्रॉब्लम है, मैं ये जिसको देता हूँ, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर भी यूज कर लो, इंजन भी यूज कर लो, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि बोलते हैं मेरे पास सिर्फ किंग है, तुम्हारे पास किंग है और तीन पॉन है, तीनों पॉन जो है अलग-अलग फाइल्स पे है, और मूव भी तुम्हारा है पर गेम ड्रॉ है। तीन अलग अलग फाइल पे तीन पॉन तीन है। पॉन है और किंग किंग है, और जिसके पास तीन पॉन है उसी का मूव है, फिर भी पोजीशन तीन ड्रॉ किंग है। भी है, नहीं, किंग एक एक ही है। किंग एक है। हाँ, तीन पॉन एक्स्ट्रा हाँ है और तीन पॉन तीन है अलग अलग क्या? फाइल पे है, पर ये ड्रॉ है, तुम्हारा मूव है फिर भी ये ड्रॉ है। अब आप फिर ऐसा करोगे कि किंग A1 नहीं, फिर भी है। तीन अलग अलग फाइल पे है ना, तो स्टेलमेट भी नहीं कर सकता, तुम तो भाग जाओगे। और आप कह रहे हो ड्रॉ है? हाँ, नहीं, जीत सकते हैं। ओके, सो देर इज ओनली वन पोजिशन दैट आई एम अवेयर ऑफ जो संदीपन ने कॉम्पोज किया है, लेग टू प्ले, ये कैसे हार रहे हैं हम? ड्रॉ हो रहा है। ब्लैक ने जीत रहा, खेलो, किंग G7, मारा H7, इधर पॉन H7। नहीं, अरे ये पॉन तो यहां पे आ रहा है ना। हाँ ओके ओके, किंग G7, मारा किंग F6, E5। अरे नीचे आ रहा है ना यार भाई, आप यही पोजिशन ऐसे करके दोगे फ्लिप करके? ओके इसका सॉल्यूशन है ना लेकिन? नहीं, ये ड्रॉ है पोजीशन, अच्छा फिर पर प्रॉब्लम ये है कि इसको कंपोज करना था, लाइक इवेंचुक को बोला गया था ये वाला पोजीशन कंपोज करो, वो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ ओके ओके सो द ओके प्रॉब्लम वाज टू कंपोज द प्रॉब्लम, ओके ओके फिर बट तो ड्रॉ ही है भाई। हाँ, बट वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी इज दिस सेम पोजीशन, इफ द पॉन विल बी ऑन H7 देन ब्लैक इज विनिंग। क्योंकि क्या होता है, ये आएगा, ये आएगा, अपने को अपना की स्क्वायर पे आ जाएगा ना अपना किंग। हाँ इधर ये खेल देगा, पर अभी अगर हम किंग लोग G5, G6 ना, हाँ G6, और हाँ अगर उसने नहीं, लिया तो अपन किंग H5 आ जाएंगे, और उसका की स्क्वायर तो वही है। अपना तो आ गया, पहुंच गया, बट हाँ डिफरेंस यहां पर होता है जब तुम मारोगे वो अगर शुरू पे यहां पर खेला, अभी इंपॉर्टेंट मूव है। व्हाइट का मूव है क्या? किंग H4, नहीं किंग किंग G4। या किंग G4 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज किंग F4 पे आओगे तो तुमको की स्क्वायर नहीं मिलेगा। हाँ की स्क्वायर चला जाएगा। हाँ, दिव्या या देशमुख बोल रही है कि मैंने तुमको आंसर ही बता दिया, सोचना ही दिव्या सोचने देशमुख है कहाँ है? कहीं तो चैट दिव्या में। देशमुख को बोलो आइसक्रीम वाला आंसर दे पहले। उसको आइसक्रीम वाले मतलब एक सवाल पूछा था मैंने, ये सब तो आता है उसको, बिशप F4 नाइट C6 वो नहीं क्या, आता उसको, सिंपल सवाल पूछा था मैंने उसको। आइसक्रीम नहीं खैर आता आपसे वो उसको। पूछेंगे बाद में। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा टफ दूँ अभी, ये बहुत इजी था भाई तो। हाँ ये तो बहुत इजी था।
दे दो बेटा। तुम्हारा लेवल तो बेटर हो गया ना अभी। ये दोस्तों ये जो है ये मैं इनको सुबह दिया था, इनको अभी तक टाइम नहीं मिला सॉल्यूशन भेजने का, तो मैं सोचा कि इनको स्ट्रीम पे ही पकड़ लेता हूँ, अभी भाग नहीं सकता, अभी सोचना ही होगा। ये तो सिंपल है ना, बिशप एफ वन। बिशप F1 खेलोगे हाँ और मैं तो उल्लू तो हूं नहीं कि मैं मार दूंगा और तुम फाट फाट करके भाग जाओगे। तो क्या करोगे फिर? मुझे तो यहां पर जाना है ना, मैं यहां पर गया तो ड्रॉ हो गया, तो मैं सीधा हाँ भागूंगा। तो रेस सवाल, लगाते हैं। चलो चलो आ जाओ, एच एच 5 4। चलो अरे यार गलत ही है ना, ये ऐसे थोड़ी ना है। तो किंग से शुरू से रेस लगाओ, लगाओ। ठीक है, शुरू से लगाओ। हाँ अपन लगाते हैं अभी। हाँ पहला मुझे तो सही था ना, लेकिन नहीं, क्लू वो कुछ नहीं मिल रहा। ओके। क्योंकि देखो अगर मैं किंग को हिलाया, आप आओगे बिशप, आप आओगे किंग G1, और फिर वो पॉन को नहीं रोक दैट सकता, इज बचा करेक्ट, सकता दैट हूँ। इज करेक्ट। सो मेरा एक थ्रेट है ये, सो विच मीन्स तुमको बिशप को हिलाना होगा, पर बिशप को हिलाना है, बहुत सारा स्क्वायर है। मतलब मेरा सबसे गलत है। सही बोल तुम दिया आपने। तो हम खेलेंगे बिशप G4। क्या एक एक करके जाओगे क्या? बिशप G4, F5, E6, D7, एक एक करके एक बार देख लोगे मेरा एक्सप्रेशन क्या है, क्या चल रहा है। नहीं मैं सोच रहा हूँ बिशप G4 खेलेंगे। आप वो शायद ऐसा करो, पूरा सोचने के बाद जब सॉल्यूशन आ जाएगा फिर मुझे ठीक आंसर है, दे दो मैं फटाफट। जोर से बोल रहा हूँ, आप हाँ एरर बना सकते हाँ हो। एकदम एकदम, हम खेलेंगे बिशप G4, ओके ठीक और है। फिर आपका किंग के पास होगा कुछ भी नहीं। आपका किंग जाएगा यहाँ, आप कम से कम ओपोनेंट का मुंह तो खेल सकते हो ना, हाँ खेला ना। ठीक है। और फिर हम आएंगे किंग C4, और फिर हम खेलेंगे किंग D5, फिर तो मैं मार दूंगा तुम्हारे बिशप को। हम ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे। क्या करें भाई, अच्छा देखो सोचने दो। हाँ, ये मेरा किंग जो है ऐसे आ रहा है, तो यहां तक तो तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारा पहला मूव जो बिशप का है, इसके बाद यहां तक तो तुम रोक नहीं सकते, उसके बाद तुम रोक सकते हो। के बाद मैं रोक सकता हूँ। H3 खेल सकते हैं फिर। एक बार ये स्क्वायर पे आ गया तो गया। सी उसको तो H4 खेल लेंगे ना फिर। हाँ, तो एक पक्का हो गया, तुम्हारा पहला मूव बिशप कहीं पर हटेगा, वो पता नहीं अपने को कहाँ जा रहा है, कहीं पर हटेगा। मैं किंग यहां पर खेलूंगा, तुम पॉन पुश करोगे, मेरा किंग यहां पर आएगा, तो फिर फिर अगर हम खेलें बिशप G2 से, अगर हम शुरू करें इस बार, आपका ओके किंग ले नहीं सकता, नहीं ले सकता, मुझे यही खेलना ठीक है कुछ भी है। हो जाए। हाँ आप वही खेलोगे ना। फिर हम खेलेंगे किंग C4, ओके आया आप इधर F4, आओगे, और अब हम आएंगे H4। तुम किंग से शुरुआत क्यों कर रहे हो? तुमको तो H4 खेलना ही है, कुछ भी हो जाए तुमको H4 तो खेलना है, हम क्योंकि ये H4 ही वाला। खेलेंगे फिर। हाँ तो बिशप को हटाया, ये कहां पे हटाएंगे ये बाद में सोचते हैं। वो हाँ खेला बिशप किंग यहां हटाया। पर, हाँ फिर हम खेला H4, H4 खेला, अभी वो फिर किंग यहां हमें, पर लाया। हाँ फिर हमें कहीं ऐसा खेलना है कि हमारा बिशप उसको रोके G4 पे आने से। वो उसको जाना है यहां, तो उसके लिए तुमने एक स्क्वायर रोक दिया, दूसरा स्क्वायर रुका हुआ है, वो तीसरा कौन सा स्क्वायर रुकना है? हाँ F5 वाला ना। F5, तो ये बिशप रोक लेगा, कहीं से भी रोक लेगा, इधर से भी रोक लेगा, इधर से भी रोक लेगा। तो यहां पे आने के बाद तुम्हारा जो पॉन है वो इसको ये स्क्वायर कंट्रोल कर लेगा, तुम्हारा जो बिशप है वो ये वाला स्क्वायर कंट्रोल कर लेगा, F5 वाला। तो रह गया तो एक ही तीसरा क्या स्क्वायर, है? ये है ना, तो वो किंग करेगा फिर, मतलब। तो वो ओके किंग से रोक लेगा। तो मान लो कहीं पे भी हटाया, ठीक है, वो कुछ खेला H4 H4, कुछ खेला, फिर तुमने पकड़ किंग। लिया, ओ ये इजी वाला हो गया, ठीक है, ये इमीडिएटली हो गया, क्योंकि उसको नीचे जाना होगा, फिर तुम्हारा पॉन क्वीन हो रहा है। बट प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो F4 पे नहीं आएगा, वो शोल्डरिंग कर देगा, तो ओके अब मेरे को आप हिंट मत देना। थोड़ा पीछे जाओ। मैंने अरे स्क्वायर, यार सोल्डरिंग करके दो ना यार। आप पर स्क्वायर ठीक नहीं है ना, अच्छा कहीं भी हिलाया, वो आया उधर, मैं आगे गया, वो आया इधर, मैं इधर, पर वो उधर नहीं जाएगा। आप कह रहे हो वो सोल्डरिंग करेगा, वो किंग E4 खेलेगा ना। हाँ किंग E4 खेलेगा। तो हम जब H4 खेल रहे हैं, वो किंग E4, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हमने बिशप कहीं पर हटाया, वी कीप दैट इन हैंड, वो अपने चॉइस पे, वो खेला किंग E3।
हम खेले एच फोर, वो खेला किंग ई फोर ओनली मूव, हम खेलेंगे एच फाइव, अभी भी ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर अपना वो कंट्रोल स्क्वायर बच करेगा। गया ना, हाँ तो उसको इधर ही जाना होगा, हाँ नहीं वहां से तो जा सकता है पर पहुंचेगा थोड़ी ना। हम ये खेलेंगे, अभी वो आएगा, फिर हम आगे जाएंगे, नहीं आगे जाएगा तो रोक लेगा ना, तो अभी तुमको ये स्क्वायर रोकना है, तुम्हारा पॉन यहां पर आ गया, उसका किंग यहां पर आ गया, तो अभी तुमको वो बिशप से ये वाला स्क्वायर, बिशप E5, F5 बिशप F5 से रोक सकते हो, फिर वो इधर से भागेगा। और कोई स्क्वायर है इसको रोकने का? पहला बिशप E8, मूव क्या है फिर? बिशप D7, ओनली मूव, इतना दूर का सोचना पड़ेगा क्या भाई? हाँ नहीं तो हर एक मूव, एवरी सिंगल मूव इज ड्रॉइंग हियर, एवरी सिंगल मूव ड्रॉस। वाह 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 वाह, तो हम बिशप D7 खेलेंगे, वो किंग E3 खेलेगा, खेलते दो, फिर हम H4 खेलेंगे, वो किंग एक ये हम लोग देख लिया कि ये नहीं जा सकते हाँ, तो वो यहाँ पे ये जाना होगा। खेलेगा, हाँ फिर हम खेलेंगे H5, फिर वो अंदर आएगा और फिर हम खेलेंगे H6, वो अंदर आएगा और फिर हम खेलेंगे बिशप वाह 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 वाह, E8। वाह दिव्या देशमुख ने वापस कुछ डैम, बोला जो मैंने मिस कर गया। ठीक है कोई नहीं, बाप रे बाप, अच्छा था ना बहुत एपिक था यार। ये सब, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए भी अच्छा रहता है, लाइक सिंपल क्वेश्चंस बट वॉचिंग क्या आ रही है? क्या बाप रे, रहता 10,000 की वॉचिंग आ रही है दोस्तों, लाइक फटाफट, है। लाइक 7,000 मारो, लाइक कर दे यार। सूर्या अंगुली ने ऐसा कुछ सिखाया हमें आज, मतलब बिशप किस पे गया है? बिशप गया है डी एफ सेवन सेवन को पे। रोकने के लिए, तो 7,000 लाइक बनता है भाई। प्लीज थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू, थैंक यू बढ़िया भाई। गाइस, होप यू आर एंजॉयिंग ऑल ऑफ यू। भाई आप बहुत मस्त कॉन्सेप्ट सिखा दो यार। थैंक यू इट्स एन आर्ट यू नो, टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। या सो दिस इज अ मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो नाउ यू नो कि हम लोग शुरुआत जो किए थे वैसा फोर्ट्रेस पे क्यों किए थे। अभी अपने को एक चीज पता है, किंग यहाँ पे पहुंच गया तो ड्रॉ हो गया, इधर तो छोड़ ही दो, इवन यहां तक पहुंच गया तो इट्स अ ड्रॉ। सो नाउ इट्स अ रेस, इट्स हाँ एब्सोल्युटली अ रेस, देन दीज आर माई पाथ। या तो वी कैन स्टॉप इट विद द किंग, वी गिव अप द बिशप, ओके सो वी प्ले दिस टू स्टार्ट विथ, लेट्स से या मोस्ट नेचुरल ही टेक्स, एंड वी कीप गोइंग डायगनली, किंग C5, वो पीछे से आएगा, वी गो किंग D5 एंड वी गो किंग E6 एंड देन वी पुश G5 G6, सही सॉरी बोला ना? हाँ नहीं, किंग जी फाइव एंड देन वी प्ले किंग E7, F7 बोलो। हाँ F7, हाँ तो ये याद है हम लोग एक प्रॉब्लम किया था जहाँ पर किंग और दो पॉन था, आई प्ले किंग H6 एंड विन। या बट दिस इज वी आर विनिंग नो, हाउ आर वी ओ यू आर विनिंग, प्लेइंग किंग F6 एंड यू, आई कांट टेक इट, किंग H6 एंड ओके, आई विन, ब्लैक विंस। आई कांट टेक द पॉन विदाउट टू कम बैक एंड देन यू विन, या यू टेक द पॉन। इतना तो मेरे को पता है कि वो बिशप हमें देना पड़ेगा जस्ट टू गेट सम टेम्पो। ओके वी गो किंग B4, यू टेक किंग C2, किंग B4, किंग C2, किंग C4, किंग विद यू, किंग D4, किंग E4, किंग F4 एंड नाउ वी प्ले किंग G4, हाँ वे विल यू गो? सोच रहा हूँ G6 ए चीटिंग है भाई, तो अपन फिर किंग G4 जाएंगे नहीं, हम उधर ही पुश कर देंगे पॉन। ये पुश करोगे? हाँ H3 S3 जाओगे, फिर हम जाएंगे किंग G5। अच्छा आपको ऑपोजिशन मिल गई ना यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहीं तो गलती की मैंने, रुको रुको, किंग F4 तक आई थिंक वाज करेक्ट। किंग F4 पे मैं किंग G2 खेला। किंग G2 खेला ना आपने, तो हम यहाँ पे ही जाएंगे किंग F5,
हाँ एंड नाउ वी गो किंग e3 e6, वी गो g6, सेम हो गया। कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, कहाँ गलती कर रहा हूँ यार। एक बार देख लो बिशप को बचाता है तो क्या होता है टू अंडरस्टैंड। वो आराम से पकड़ लेगा ना उसको। हाँ अगर बिशप को यहाँ पर रखा, ये खेला हम गए, ये खेला हम इधर गए, वो खेला यहाँ पर, हाँ देन फिर इट्स क्यों नहीं हो ड्रॉ, रहा है? क्योंकि वो उधर आएगा ना, किंग ई नहीं, फाइव ई सिक्स एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है, ये खेला, ये खेला। अभी अगर मैं ये खेलता हूँ तो ब्लैक टू प्ले, ब्लैक टू प्ले, क्योंकि अभी तुम यहां पर पहुंच नहीं सकते, तो मैं नेक्स्ट मूव ये खेल दूंगा तो जीत जाऊंगा। ब्लैक टू प्ले, हिल प्ले g6, एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, एंड डी इफ यू सिक्स, टेक हिल गो किंग f6 एंड हिल विन द पॉन। करेक्ट। सो आई कैनॉट प्ले किंग d7, एंड इफ आई प्ले g6, नाउ ऑल्सो देर इज ब्लैक हैज ओनली वन मूव। ब्लैक हैज वन मूव, ओ ब्लैक इज, ब्लैक विल प्ले किंग f6, नो नो, ब्लैक विल प्ले किंग e6 एंड नॉट अलाउ द किंग इनसाइड। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली। सो बिशप हम लोग h7 पे नहीं रख सकते, और प्रॉब्लम ये है कि किंग b4 तो हो नहीं रहा, और हाँ बिशप ये जोन पे कहीं पे भी रखे वो किंग एक आके टेम्पो मारेगा। लाइक तुम यहाँ पे रखोगे तो इधर आके टेम्पो मारेगा। हाँ टेम्पो जाएगा ना, इसलिए हमको बिशप देना ही पड़ेगा। कैसे तो देंगे? आई स्टिल फील किंग b4 इज द करेक्ट मूव। कैन यू फाइंड अ बेटर वे टू गिव द बिशप, ओके किंग b1, बिशप b1? हाँ बिशप b1, इफ इट टेक्स देन नथिंग लाइक इट, दैट्स इट। नहीं, इफ ही टेक्स एंड देन, देन तो हमारा किंग आराम से पड़ जाएगा ना आगे। भाई 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 देखो कौन आ गया। विदित इज सेइंग कुछ भी हो जाए, ऑल जोक्स अपार्ट, समय चेस स्किल्स हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। आई कैन नॉट थैंक यू फाइंड इट, बट यार थैंक्स विदित, तू थैंक्स डिसाइड कर विदित। ले भाई, तो किसकी तरफ है। मैं स्ट्रीम पे आता हूँ मेरी तरफ हो जाता है, सागर स्ट्रीम पे आते हैं तो शायद निकल जाती है, सूरज में मत डूबो। विदित क्या है ये, कि क्या दोगलापंती है भाई। स्ट्रीम पे वो इंस्टाग्राम पे लिख रहा है नथिंग कैन बीट सागर शाह कम बैक, यहाँ डाल रहा है जो भी हो सम। भाई विदित गुजराती डिसाइड कर लो यार आप, क्या उसको गुजराती दोनों तरफ आग लगा रहे हो। गिदित गुजराती हो गया ना, अभी कल से नया नाम आ हाँ गया विदित, उसका, हिदित गिदित गुजराती गिदित गुजराती। और किरोसिन गुजराती दोनों सही है भाई। हाँ हाँ थैंक्स विदित अपने फॉर अपने ज्वाइनिंग। टीम पे करो ना, ध्यान दो ना अनिर्बान पे, बेचारा मेरे को मैसेज कर रहा है वाना प्ले। हाँ ए पता है क्या, मैं देख के आ गया, वो अधिबान कुछ तो तुम्हारा गेम दिखा रहा था किंग्स गैम्बिट पे, किंग्स हाँ भाई आपको पता है मैंने गैम्बिट वैभव के साथ गेम खेली और मैं जान से गंदी गेम खेली। पे। अभी वो बैठ के एनालाइज कर रहे हैं मेरा गेम का और मैं फिर भी जीता मालूम है क्या, हाँ मैंने वो ओपनिंग खेली नहीं जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ बिशप b1, सॉफ्ट ओके कट टेक, हाँ किंग देन तो वी आर विनिंग। कैसे? वी गो किंग b3, ब्यूटीफुल, और अटक गया वो, एंड देन ओके, पुश द पॉन एंड देन यू आर देन वी आर गेटिंग। विनिंग। या वी हैव वन एक्स्ट्रा टेम्पो नो। इट्स वेरी आयरोनिक, नो, लाइक हु हाउ टू इमेजिन दिस पोजिशन, द ओनली विनिंग मूव इज बिशप b1। या डू यू थिंक यू अच्छा, वुड बी एबल टू फाइंड दिस ऑन बोर्ड इफ यू डिडंट नो इट। इफ आई नो द बेसिक कॉन्सेप्ट देन मे बी यस, बट अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट। ऑल्सो अनदर थिंग, राइट, लाइक प्लेइंग इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। तुमको यहां पर पता है, आई एम 100% श्योर, इफ यू गिव मी दिस पोजिशन इवन ड्यूरिंग द गेम, इफ यू टेल मी व्हाइट टू प्ले एंड विन, आई विल फाइंड इट। बट गेम पे गॉट वो इट। कोई बोलता नहीं है ना कि क्रिटिकल मोमेंट कौन सा है, इज दिस द क्रिटिकल मोमेंट, एम आई विनिंग हियर और एम आई विनिंग इन नेक्स्ट मूव। हमारा स्ट्रीम जो अधूरा रह गया था, वी हैड दिस पोजिशन, आई वॉज शोइंग समथिंग। या फिर हम पे हैक हुआ, हाँ हमने रुक इवन खेलना चाहिए था यहाँ पे। अरे तुमको याद भी है क्या मूव बोले थे? वही भाई आपको क्या लग रहा है भाई, मजाक लग रहा है मेरा तो वही तो प्रिपरेशन, वही तो वही डेडिकेशन मैक्स है भाई मेरी। तो। सो ये जो गेम है, दिस इज प्लेड इन 1910, रेटी वर्सेस टाटा कोवर। तुमने क्वींस गैम्बिट देखा है?
नेटफ्लिक्स हाँ पे हाँ अरे क्वींस से। गैम्बिट में वो बच्ची खेलती है उसके साथ, मैं बताता हूँ, वो जब साइमल खेल रही होती है दोनों के साथ, तो कस्टोडियन के साथ ये पोजीशन खेल रही होती है, एंड आई टेल यू व्हाट शी प्लेज हियर। किसका मूव है ये? वाइट टू मूव। वाइट टू मूव ना, आई विल टेल यू। रुक ई वन, नहीं, देयर इज समथिंग नो नो मच मोर नो, सॉरी ब्यूटीफुल। सॉरी सॉरी, मच मोर, आई टेल यू, आई थिंक इट इज क्वीन डी ए चेक, ब्यूटीफुल क्वीन ब्यूटीफुल। डी ए चेक, किंग टेक्स, एंड देन वी हैव बिशप चेकमेट। या बिकॉज इफ द किंग गोज हियर देन देयर इज दिस या मेट। वो ऐसे बोलती है उसको, बाहर जाती है और बोलती है मेड इन थ्री। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो दिस इज दिस गेम। या दिस इज रेटी टाटाकोवा 1900 ट्रेन, द गेम विच वॉज यूज। या वॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस, दिस इज 1910 एंड नेक्स्ट गेम, लुक एट द प्लेयर्स, दिस इज ली चाओ वर्सेस बू जियांगशी। ली चाओ वॉज ऑल्सो 2700 एट सम पॉइंट, एंड इन सम चाइनीज चैंपियनशिप दे आर प्लेइंग 2009, दे रिच्ड दिस पोजिशन। ठीक है, अभी व्हाइट का यहाँ पे पॉन अटैक्ड है। व्हाइट चाहे तो चुपचाप B3 खेल सकता था, ओके क्वीन हटना होगा, नॉर्मल पोजीशन। शायद ब्लैक क्वीन यहाँ पर लाएगा, व्हाइट बिशप डेवलप करेगा, नॉर्मल पोजीशन। पर व्हाइट बोला पीस मिल रहा है, मार देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ओके, लेट मी फाइंड द विनिंग मूव देन। ओके इफ आई, मेरे को कुछ क्वीन सा ही लग रहा है यार दिव्या शायद। तो तुम्हारा एकदम ले रही है, वो बोल रही है रुकी ऑन बोल के हु टू मूव। नाइस, ओके क्वीन, आप पढ़ना जरूरी था भाई, आपको जरूरी था पढ़ना, अच्छा तुमने भी पढ़ हो लिया गया था ना वो, क्या? मैंने पढ़ लिया था ना दिल में वो। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। नहीं, कौन सा हाथ, ये हाथ ऐसे ओके नहीं, जा नहीं रहे, अटक गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके यहाँ पे अगर हम खेलेंगे, दिव्या देशमुख ही बोल देगी इसका आंसर क्या है। नहीं मेरे को नहीं मिल वो, रहा भाई, मेरे को क्वीन सी टू चेक लग रहा अरे अभी जो गेम देखा 1910 पे, सेम लगा। है। इट्स ब्लैक टू मूव नो हाँ क्वीन, भाई पर क्वीन सा कोई नहीं देने आप ऐसा तो कोई। पहले नॉर्मल मूव ओ करो ना, ओ आई नो आई नो, बिशप टेक्स एस ए टू चेक, किंग C1, फिर हाँ किंग सी वन पे रुक टेक्स, किंग टेक्स। वैसा ही हो गया ना फिर। लेकिन वैसा नहीं हुआ, अपने गेम पे हम लोग क्वीन अच्छा सेक किए थे। तो क्वीन टेक्स ऑन हाँ ए टू चेक, वो शी गो एंड देन वी हैव, ओ क्वीन ए वन चेक, एंड हियर वी हैव इन दिस पोजिशन क्वीन टेक्स डी वन चेक। हाँ तो मुझे क्या लगता है, लीचाओ जो है उसको लगा ये बिशप F3 चेक आ रहा है, और उस पर वो देख के रखा था कि ये जो रुक का चेक आ रहा है और ये भी थ्रेट है, तो उसने देख के रखा था कि मैं ये डाल दूंगा, मेरा रुक भी प्रोटेक्ट हो गया, तुम मारोगे मैं मारूंगा, मेरा दो बिशप है एंड व्हाइट इज विनिंग। पर उसको शायद ये टाटा कोवर का गेम, रेटी टाटा कोवर नहीं को भूल पता गया था। था, नहीं भूल गया होगा शायद, आई डोंट नो, या पता नहीं, बट इट्स लाइक सो मच आइडेंटिकल। या एंड इफ यू डू इट रुक मेट, ब्यूटिफुल नाइन ब्यूटिफुल, लाइक लिटरली 100 years आफ्टर, या नाइनटीन वाओ हंड्रेड टेन एंड देन 2009। ऑल एपिक राइट, एपिक एपिक। आर यू फ्रेश टुडे? आई एम कंप्लीटली फ्रेश मैन, आई एम ऑलवेज फ्रेश, आई यूज्ड टू नॉट बी फ्रेश, नाउ आई एम वेरी फ्रेश। ये क्या हो गया, रुको। अरे भाई भाई पजल करेंगे हम, कोई गेम नहीं खेल सकते, खेलते क्या अपने हाँ स्ट्रीम क्या, पे? हाँ खेलते हैं ना, तुमको गेम खेलना है पहले? नहीं, आप जो बोलो वो करेंगे। नहीं, खेल सकते हैं, चलो गेम भी खेल सकते हैं। तुम किसी के एक साथ गेम खेल लेना खेलोगे? है, हाँ चलो, कौन हाँ आप बताओ हो किसका जाएगा, खेले। रुको किसका खेले, मतलब तुमको किसी को ऐड करना होगा ना, मैं अपने मेंबर्स को बोलता हूँ, chess.com पे जा रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ, मैं तुमको फॉलो करूँ हाँ स्लैश फॉलो समय ना कर दो, मैं मेंबर को बोलता हूँ किसी को। क्या? हाँ मुझे एक्चुअली एक कॉन्फेशन करना है यहाँ पर, जो मैं बोलूंगा कि सबको, कि मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि कुछ भी हो जाए, मैं समय से बहुत कुछ सीख सकता हूँ बाकी चीजों में, लाइक OBS पे, बाय YouTube का ये बाय वो। बाय, बताना मत वो बताना मत, क्या क्योंकि वो बाकी प्लेयर्स को नहीं पता हमारे सीओबी में।
ओके ठीक है, तो मैं ठीक ऐसे है? बोलता हूँ, ऐसा बोलता नहीं हूँ नहीं नहीं कि हाँ chess.com पे बस कुछ बस 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 कुछ कुछ भी नहीं बताओ चीजें, गया कुछ नहीं चीजें भाई मुझे प्लीज समझने भाई यार सिखाया, बस बस ठीक बस है, बस जो मुझे पता थैंक नहीं यू था। डन। बस डन क्या दिव्या खेलेगी मेरे साथ? खेल लो, आई विल टेस्ट यू ब्यूटीफुल। दिव्या तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड, मेरे पास 5 मिनट, मंजूर है तो चल। नहीं, तू एक काम करना, तेरा आईडी मुझे दे दे, फिर मैं देखता हूँ दिव्या को। हाँ भाई क्या दिव्या इसमें बुली करेगी मेरे को, देखना चल स्टेज पे चढ़ना तू भी, देखते फिर अपन। रुक जा मैं इसको ले। इसको पहले मैं सेट करता हूँ, सबसे पहले OBS पे, नहीं तो ये सब दिख जाता है। ओके हाँ, मुझे क्या करना होगा? स्लैश फॉलो ओके, आई एम फॉलोइंग यू नाउ, 1 सेकंड लेट मी फिक्स OBS। ओके आर्यन रंजन कुछ ऐसा हाँ टाइम का बताओ। खेलो जहां पे मैं कमेंट्री कर सकूं 10+0 ना वही जो अपना एकदम। है हाँ वही वही खेलेंगे, किसी से भी खेल लो, कुछ वही वही मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मिल गया मेरे को बहुत सारे लोग। नहीं। मुझे मेरा ये 2800 क्यों दिखा रहा है? क्या हो गया? बिकॉज इट्स बुलेट। ओके ओके शशांक रेटिंग क्या तेरी? नहीं 700 है छोड़। रक्षित क्या रेटिंग है? 3900 है ना? अच्छे से खेलेगा ना, बेइज्जती नहीं करेगा ना, सूर्य की स्ट्रीम पे खेल रहे हैं। ठीक है चल आ जाते को लेता हूँ। दिव्या ओके इज टेलिंग मी, अरे हम कच्चे खिलाड़ियों से नहीं खेलते, हम भी बच्चे खिलाड़ियों से नहीं खेलते, तो ठीक है, वी आर अच्छा ऑन सेम पेज। रक्षित भाई क्या है आपकी आईडी? ओके आईआईटी एस्पिरेंट है भाई इनका नाम, इनके साथ खेलेंगे हम। दिव्या पढ़ाई पे ध्यान दो, यूट्यूब पे मत आया करो, पढ़ाई किया करो। एग्जाम कब है? और आइसक्रीम ज्यादा मत खाया करो। भाई इतना गंदा सवाल पूछा था पता है मैंने दिव्या देशमुख को, वो नहीं आया उस दिन। मैं सोच लिया कि भाई ये बस ये तो बस नाम का है भाई। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। बिल्कुल आईटी एस्पिरेंट भेज दे मेरे को चैलेंज। भाई तू कब से आईटी एस्पिरेंट है यार, तेरा हो ही नहीं रहा आईटी। या हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तुम्हारा आईटी नहीं हो रहा है 2 साल से। आईआईटी एस्पिरेंट सारा कुछ बड़ा सोचो ना, दिन में कुछ बड़ा सोचो ना यार ऐसे। मतलब मिल गया मिल ओके गया। थैंक्स सुदर्शन, सेम, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ चल दिस, वेरी सही इंटरेस्टिंग, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्ट्रीम्स, थैंक यू। ओके भाई आई हैव स्टार्टेड यू आर स्टार्टेड भाई, आई एम नॉट फॉलोइंग यू स्टिल। स्लैश फॉलो या स्पेस ओके समय इट्स रहना। दिस 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 सर। तो तुम क्या मेरे मुझे मेरा सब ये सुनते सुनते नहीं नहीं खेलोगे? मैं हटा रहा हूँ अपना, म्यूट कर रहा हूँ ओके ओके भाई, जस्ट बिकॉज इट इज वेरी क्या बोलते हैं इन द सो क्या बोलते, व्हाट्स द वर्ड, टॉपिकल, दैट्स व्हाई आई क्रिएट दिस ओपनिंग। क्या सीपो ने से अटक क्यों गया? ऑलराइट लेट्स सी। बट आई कैन नॉट मेक एरोस, कैन आई मेक एरोस? आई शुड बी एबल टू नो। आई आई कैन मेक एरोस, सो समय इज प्लेइंग d4, सॉरी, वेरी स्टैंडर्ड लाइन। दिव्या दिव्या बदला लेगी? ओके लेने दो। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन कहते हैं इन ये ओपनिंग को, एकदम प्रॉपर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन पोजिशन है। ब्लैक का मेन जो इशू होता है यहाँ पर कि ये c8 बिशप अगेन, तो पूरा जो लाइन है वो डिपेंड करता है कि ब्लैक ये बिशप को कैसे लाएगा। काफी बार हम लोग देखते हैं कि ऐसा यू नो लाइक ब्लैक b6 खेलते हैं, ओ माय गॉड आई कैन नॉट मेक एरोस, या b6 बिशप b7, या नाउ
आई हैव प्लेड मेनी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. मोस्ट नेचुरल मूव हियर इज h6 और कासल. ओके दिस इज सम काइंड ऑफ इसको बोलते हैं टैरश ओपनिंग. या गाइस आई एम मेकिंग एरोस. सो c5 वाओ. dc5 इज ऑल्सो अ वेरी नेचुरल मूव. c5 जो है ये इतना ब्लैक वॉज नॉट रेडी फॉर दिस दिस काइंड ऑफ पोजिशन. एंड यहाँ पर बहुत सारा आइडियाज है. एज वाइट आई वुड ईदर प्ले e3, यू नो, टेक केयर ऑफ दिस. cd5 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. आई वॉज सजेस्टिंग क्वीन c2, बट cd5 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. लुक्स लाइक दे आर प्रिपेयर्ड. या नाउ दिस पॉन इज अटैक, सो ही हैज टू प्ले e3, मोर और लेस फोर्स्ड. ब्लैक विल टेक हियर. आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, समय ने ये मूव देखा था कि नहीं देखा. इफ आई हैव टू पिक अ, इफ आई हैव टू गेस, आई वुड से समय डिड नॉट सी क्वीन b6, बट यू नो, यू विल फिगर आउट देर इज e3. एंड आफ्टर e3 क्वीन b8, देर शुड बी समथिंग लाइक लेट्स से रुक c1, आई वुड थिंक. एंड वाइट इज डूइंग फाइन. बट जजिंग बाई द स्पीड ऑफ दिस गाय, IIT aspirant. Yeah, this bishop h4, I don't like. What is this? Okay, now Samay is completely winning. I don't know what black missed. I don't understand this at all. Now everything wins. We are just a piece up. So this is without fight. This Samay will win. Only thing is he should not get... So, you know, I'll give you one important advice. एक जगह पे शायद मैं पता नहीं यहाँ पर बोला कि नहीं स्ट्रीम पे, जब विनिंग पोजीशन आता है व्हाट इज द फर्स्ट रूल यू शुड डू. सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए आपको अगर विनिंग पोजीशन मिल गया. तो ये सोवियत मैं एक बुक पढ़ रहा था यूसुपोव का, उस पर लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो देख के, लाइक वो पढ़ने के बाद. इट सेड कि आपको अगर विनिंग पोजिशन आ गया, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज इंक्रीज योर फोकस लेवल. क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को जब विनिंग पोजिशन मिलता है, वी गेट रिलैक्स्ड. अभी हमारा वाट लगा हुआ है, वी आर लाइक कंप्लीटली लॉस्ट. किसी को बोलने का जरूरत नहीं है कि भाई ध्यान से सोचो. जैसे दिव्या का अगर परसों एग्जाम है तो उसको बोलने का जरूरत नहीं है कि भाई तू जाके पढ़ाई कर. पर वो अगर एग्जाम उसका सब पढ़ाई वढ़ाई हो गया, देन शी इज वेरी रिलैक्स्ड. सो यही होता है हमारे साथ जब, वेन वी गेट विनिंग पोजिशन, वी टेंड टू गेट रिलैक्स. And that is where the mistakes happen. So, basically, this is the first thing we should learn. When there is winning position, you be more alert. That's the first thing to do. If you relax, then, you know, for instance, in this position, I don't like e3. Because it kind of stops, blocks my bishop. Of course, every move is winning. e3 is also winning. But why should I not play perfect? Yeah, and this is like unnecessary because he became slightly relaxed in a winning position. So there was no need to give this pawn. And also, also there was no need to give the bishop. So ye jo hum log dekh rahe hai abhi yahan par, it is not a question whether white is winning or not. It is a question whether he is playing perfect or not. So thoda mind jab relax hota hai, the moves are not exactly perfect. Ye agar samay black hota, he would play more perfect, in a more perfect manner. So black, white can take here, and after check, there is rook d1, and then exchange will happen, but then this knight will go. So you see, still it is winning. But Rakshit, disgusting play, Rakshit. तो खेल, तू अपना गेम पे ध्यान दे. सो रक्षित सॉरी, ये जो समय जो बोल रहा है, उसने अभी बिशप बी3 चेक देखा नहीं. दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि समय का जो पहले वाला पोजीशन था वो और ज्यादा विनिंग था, वो रिलैक्स्ड हो गया. शायद वो ये गेम जीतेगा,
But as a professional player, I know like most of the time we'll lose, even at the highest level, because we get relaxed. So guys, remember, when you have advantage, पता है शेर जब शिकार करता है, लाइक व्हेन यू व्हेन अ टाइगर इज हंटिंग, देन एट द टुवर्ड्स द एंड ही इज लाइक वेरी फोकस्ड. सो वंस यू गेट द स्मेल ऑफ द ब्लड, वंस यू लाइक यू नो यू आर गोइंग टू विन द गेम, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी अटमोस्ट, लाइक योर फोकस लेवल शुड इंक्रीज एंड यू हैव टू किल. एनीवेज, दिस गेम ही विल विन, आई एम प्रीटी श्योर ही विल विन, बट दिस इज नॉट द बेस्ट बेस्ट वे टू डू इट. लेट्स सी, जा रही हूं पढ़ाई करने, करनी पड़ेगी नहीं तो आपके जैसे स्ट्रीमर बनना पड़ेगा ना. मेरे जैसा स्ट्रीमर बनना पड़ेगा, आई डोंट नो, चलेगा चलेगा. तो आई आई वुड से यू बिकम अ बेस्ट प्लेयर, बेटर प्लेयर, देन इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ स्ट्रीमर और वॉट एवर यू आर डूइंग, इट डजेंट मैटर, बट आई वुड लव टू सी यू बिकमिंग अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, दैट्स वॉट आई विश. देन वेदर यू आर स्ट्रीमिंग और नॉट स्ट्रीमिंग, इट इज इमेटीरियल. And all the best, Divya, for your exam. So, what is going on here? In the board, this is another thing, yeah. Like, Samay was kind of hoping that game will finish very quickly, and now he has to come back with the rook. So, yeah, now Samai completely spoiled this position. Now, after bishop f7, I don't see. Now he's not winning anymore. See, this is a classic example, very classic example. There was no need to give dialogue, there was no need to, you know, when he had winning position, there was no need to say anything. All. See, when we are frozen, board froze. Seriously? Guys, I see it properly. Okay, now it must be fine. Guys, it is fine now. And now rook a8. तो अभी अभी आप देखें समय की, like when he is playing, look at his face, look at his expression. तो चेस जो है भाई, it's a very emotion के साथ खेला जाता है. So if a player is very tense, if he gets upset when it is losing, then he will also get relaxed when it is winning. So it's very important to have our emotions under control. And now basically rook a8 and it's a draw. White, all black has to do is just you know, yeah, rook a8 and it's a draw. तो अभी देखो वो उदास हो गया क्योंकि उसको पता था वो जीत रहा था. और ये जो फीलिंग है ये भी गलत है, ये कुछ बोर्ड पे कुछ फील आना ही नहीं चाहिए, लाइक देयर शुड बी जीरो इमोशन. What gets frozen? Guys, it is not frozen. I see it in OBS clearly. Ah, yeah, true, true, true. Ah, maybe I'm doing it wrong. It should be fine now. Yeah, it should be fine. Sorry, guys, sorry. No, it's not about making error. I know what I am doing. I'm sometimes like probably minimizing it. Yeah, it should be fine now. Somebody is saying Divya ko chodo, board ko fix karo. Yeah, I did that. Yeah. So ये जो गेम उसका समय जो जीत नहीं पाया, इसके साथ चेस का कुछ संबंध नहीं था. इट वॉज ओनली अबाउट इमोशन एंड नथिंग एल्स. इट वॉज हिज हैप्पीनेस दैट डिडन लेट हिम विन. द फीलिंग, राइट, द फीलिंग दैट आई एम विनिंग इज अ वेरी बैड फीलिंग ड्यूरिंग अ गेम. You should not feel like you know whether you are winning or drawing. So, क्या बोर्ड फ्रीज बोल रहे? नहीं, समय सोच रहा है भाई, बोर्ड फ्रीज नहीं हुआ.
नहीं दे आर थिंकिंग नाउ गाइस, इट्स नॉट फ्रोजन। देखो अभी बेचारा कैसा, मतलब उसको लग रहा है, उसको पता था वो जीत रहा था, उदास हो गया बेचारा। क्यों बोल रहे हो भाई फ्रीज हो गया? नहीं है फ्रीज, वो सोच रहा है। नहीं दे आर थिंकिंग। या आई थिंक मूव्स आर कमिंग लिटिल लेट। आ यू आर सेइंग टाइम फ्रीज हो गया। यू नो व्हाट, ओके आई विल कीप जस्ट द चेस डॉट कॉम पोजिशन। आई नो इट इज क्लीन इन ओबीएस एंड चैट आई विल रीड फ्रॉम मोबाइल, सो दैट वे आई डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। हाँ तो ये जो गेम है ये तो ड्रॉ होने वाला है, कुछ भी हो जाए। तो अभी एक और चीज़ है, उसको दोबारा इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं पता है क्या, मैं पहला दिन पे बोला था उसको, जब मैं उसका गेम्स देखा था, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेटमेंट कि बहुत इमोशनल है। तो अभी एकदम इमोशन आना नहीं चाहिए, अभी पोजिशन ड्रॉ है, तो तुम जीत रहे थे हार रहे थे उसका कुछ लेना देना है नहीं। नाउ यू हैव टू जस्ट मेक अ ड्रॉ एंड कम बैक। पर अगर ये सोच लेके बैठो कि अरे मैं जीत रहा था, आई हैव टू विन दिस पोजिशन, देन यू माइट एंड अप लूजिंग ऑल्सो। या वेट, यू आर सेइंग इन योर ओपिनियन समय प्लेस टू मच बुलेट एंड ब्लिट्स, ही नीड्स टू प्ले लॉन्ग टाइम कंट्रोल्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स विद पोस्ट गेम एनालिसिस। आई टोटली एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री, दे शुड प्ले मोर मोर लॉन्गर गेम्स एंड यू नो स्टॉप प्लेइंग फॉर टाइम एंड टू एनालाइज दिस गेम्स, टू अंडरस्टैंड, टू सी सम क्लासिक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो टू बिकम अ बेटर प्लेयर। Another thing, you know, like Gelfand wrote a fantastic book about positional decision making. So there at one point he says, it is not important how fast or how brilliant you win, but how safely you win. So that's what is important. Like when you're winning a game, how safely you can win. And this game is a very classic example. Samai wanted to win the game quickly as possible. And that's the mistake. That's the biggest mistake. So we'll analyze this game after he's done. Essentially, he could not convert this just because of, you know, he just wanted to kill it immediately. So, yeah, I'm expecting soon it'll be a draw. दिव्या इज सेइंग, मेरे को बहुत बुरा लगा फॉर सेइंग व्हाट एवर आई सेड एंड आई थॉट इट गॉट टॉक्सिक, सो आई एम जस्ट लीविंग इट हियर। हे दिव्या, नथिंग यार, नो वरीज, लव फॉर यू ऑलवेज। आई डिडंट टेक इट सीरियसली, इट्स फाइन, आई नो इट्स ऑल फ्रेंडली बैंटर एंड आई नो यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, यू डिडंट मीन इट इन एनी बैड वे एंड व्हाट एवर आई सेड दैट आई ऑनेस्टली विश, आई विश यू आर अ गुड प्लेयर एंड यू बिकम यू नो द बेस्ट, व्हाट एवर इज योर बेस्ट यू अचीव दैट, that's what I will always want. So no rush guys, back into the game. Look, another important lesson, I told you Samai is still emotional. He could not accept, like when this position was there, bhai draw ho raha hai, abhi draw le lena, tu pehle jeet raha tha haar raha tha usse kuch sambandh hai nahi, but nahi, he wanted to win, he still wants to win and now he is losing. To dekho, जितने भी लोग देख रहे हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक लिटरली एवरी सिंगल व्यूअर हु आर वॉचिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रेटिंग, आई लाइक नो मैटर इवन इफ यू आर ग्रैंड मास्टर एंड यू आर वॉचिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट दिस एक्सेप्टेंस। लाइक इन चेस देर इज नो कनेक्शन, तुम्हारा पहले क्या हुआ, तुम पहले हार रहे थे, पहले ड्रॉ हो रहा था, जीत रहे थे, तुमको जीतने से यू आर विनिंग सम चैंपियनशिप, इट डज नॉट मैटर। देर इज ओनली थिंग दैट मैटर्स इन चेस, दैट इज you know what best move you can make in the current position. Any kind of emotion, remember this guys, if you are playing chess, any kind of emotion during the game is not healthy, it doesn't take you anywhere. Main desh ke liye khel raha hu, mera ghar pe kon kya sochega, mujhe ye jeetna hai, usse current jo position hai uska kuch lena dena hai nahi. Current position pe sirf h4 aa raha hai, tum pawn ko rok sakte ho ki nahi, yehi sochna hai.
उस पे मुझे जीतना है, ड्रॉ हो रहा है, हार रहा हूं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो अपना इमोशन जितना कंट्रोल पे रहे ड्यूरिंग द गेम, आफ्टर द गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या हो गया आप? अरे यार, देखो भी हंस रहे है। पता है एक बार लेवॉन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एरोनियन लेवॉन, तो उसके साथ लाइक उसका एक इंटरव्यू पे वो बोला था कि यू नो फॉर हिम इट इज ही कैन रिकवर फॉर हिज लॉस क्विकली बट ही कैनॉट रिकवर फ्रॉम हिज विन, व्हेन ही विन्स एंड देन ही गेट्स वेरी रिलैक्स्ड। आई थिंक ही लॉस्ट ऑलरेडी, या नाउ ही रिजाइंड, रिजाइन एंड इज बैक। यो यो ओके भाई थैंक यू थैंक यू रक्षित थैंक यू भाई, भानु सॉरी प्रकाश। रक्षित हेलो 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 सर, भाई। हाँ क्या क्या चल भाई रहा भाई रक्षित भाई, है? रक्षित भाई खेल गए यार। खेल गए? वो कुछ नहीं हाँ किया रक्षित तू? भाई, कौन सा इंजन यूज किया? मिलता मिलता बाद मिलता। हाँ भाई भाई भेजते हो गए भाई। नहीं, कुछ बेइज्जती नहीं, वो चलता है भाई सब। 99 एक्यूरेसी है भाई की, किसका रक्षित भाई की। पीस चला गया था, कंप्लीटली लॉस था उधर। कौन तुमको जो पोजीशन मिला था, सा? जो तुमको ओपनिंग के बाद ये बोर्ड दिख रहा है मेरा अभी, हाँ दिख रहा है। हाँ ये पोजीशन जो मिला था, बेट लगाएगा मैग्नस कार्लसन चोर, मैं स्टॉकफिश के साथ खेलूंगा, 100 out of 100 स्कोर करूंगा। हाँ कौन सा ये भाई? तो पीस अप है आपके ना। आपके इस आपके स्ट्रीम से मैं वीडियो बना सकता हूँ ना एक? हाँ, बनाओ ना। हाँ परफेक्ट, ठीक। बस ये पूछना था मेरे को। हाँ क्या बनाएगा लेकिन? हाँ बनाऊंगा एक, है मेरी एक हाँ सीरीज। हाँ कोई किसने मुझे लिखा, इन वन गेम अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 5 इन 2005 यू टुक बैक क्वीन मूव व्हेन टॉप प्लेयर्स वाज वाचिंग सम टिप्स टू इंप्रूव माइंडसेट इन दोज लैंड प्लेसेस। या श्योर, थैंक यू। तो मैं ये गेम के वक्त, तुम ये बाद में देखना मेरा कमेंट्री, मजा आ जाएगा तुमको। ओके तो मैं बोलूँ तुम्हारा मेन प्रॉब्लम क्या था, मैं ऑडियंस को ऑलरेडी बोल चुका हूँ व्हाट वाज द प्रॉब्लम। हाँ, इट हैज व्हाट वाज गॉट इट? योर इमोशंस। फर्स्ट दिन को जब तुम आए थे, मैं तुमको तुम्हारा गेम देख के बोला था भाई तू बहुत इमोशनल है, और चेस पे जो है तुम जीत रहे हो, हार रहे हो, तुम किसी को धो रहे हो या कोई तुमको धो रहा है, इससे पोजिशन का कुछ लेना देना है नहीं। तो जब इसने जब इसने बिशप F2 मारा यहाँ पर, यू बिकेम वेरी हैप्पी एंड नाउ बिकमिंग वेरी हैप्पी आउट ऑफ दिस थिंग, इट हैज गॉट नो कनेक्शन विद द पोजिशन अगेन। पर विनिंग था ना ये? हाँ पर तुम जो जीतने का ट्राई कर रहे हो, तुम बहुत ऐसा खुश हो गए, मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द आइडियल थिंग टू डू। पता है मुझे बहुत लोग पूछते थे कोई बिगिनर्स के लिए अच्छा बुक बोलो, बिगिनर्स के लिए अच्छा बुक बोलो, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था। मैंने जो पढ़ा है वो सब लाइक ओल्ड बुक्स, आई डोंट नो इफ आई शेयर दिस विद यू, आई जस्ट शेयर विद ऑडियंस। फिर मैं सोचा थोड़ा बिगिनर्स का बुक पढ़ता हूँ, देन आई मेड सम रिसर्च एंड आई सॉ यूसुपोव ने बहुत सारा ऐसा बुक किताब लिखा है, यू नो वेरी गुड कोच एंड देर आर मेनी बुक्स। आई वॉज जस्ट फ्लिपिंग लाइक वेरी बेसिक बुक्स, तो उस पर एक जगह पे लिखा है वॉट टू डू वेन यू गेट अ विनिंग पोजिशन, लाइक वॉट शुड यू डू वेन यू गेट अ विनिंग पोजिशन, एंड द फर्स्ट रूल इज इंक्रीज योर फोकस लेवल, बिकॉज हिज पॉइंट इज वेन वी गेट विनिंग पोजिशन वी गेट रिलैक्स्ड। सो वेन वी आर इन माइनस पोजिशन देन वी डोंट हैव टू से के समय यू नो फोकस करो, थोड़ा ध्यान दो, विनिंग पोजिशन पे हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो तुम्हारा मेरे ख्याल से वो हुआ, देखो हाँ, मैं एक ऑल बार वो मिल गया ना मेरे को मैं बोला कि चलो जीत गए अब तो। एग्जैक्टली पहले तो इधर तुम बिशप को ला सकते हो, ठीक है, यू प्लेड रुक C1, ही प्लेज दिस, टेक्स टेक्स, यहां से तुम सोचने लगे कि क्वीन कैसे चेंज कर दो, ठीक है फाइन, चलो क्वीन चेंज कर दिया, जीत रहे हो। पहला मूव जो मुझे पसंद नहीं आया कि मैं जीत रहा हूं पर मैं ये मूव क्यों खेलूं, मेरा ये बिशप का क्या होगा, मेरे को लाइट्स को बिशप डेवलप करके कैसल तो करना था। यहां से जाना, हाँ, वहां से भी आ सकते हैं, पॉइंट है। फिर दोनों बिशप एकदम कहां कहां देखेंगे एकदम, है ना? पॉइंट है तुमने ये खेला, अभी तुम्हारे दिमाग पे ये है कि पीसेस एक्सचेंज करना है, और मेरे ख्याल हाँ, से मेरे दिस से, इज क्योंकि मेरे को यही सिखाया गया ना कि एक बार यह अप मटेरियल जैसे एक्सचेंज डाउन। कुछ थंब रूल मत मत रखो ऐसा, बिकॉज यू आर ओके एक्सचेंजिंग वेरी गुड पीस विद
with a back piece. Like tomorrow the bishop 8 is much stronger than this knight. So why would you want to go and change? Okay. I mean, just play, just put your bishop here and I'm unable to draw. But yeah, just play bishop d3 and castle. And now I lost your game. How do I get this game back again? I can see it. No, but... वहाँ पे एक एक arrow mark होगा ऐसे refresh वाला. No, the thing is I made this move, yeah, and it वो move overwrite कर दिया. हाँ, वही उसी analyst में एक arrow mark होगा नीचे, जिससे अपने आप सही हो जाएगा. ऐसे curved arrow mark. Wait. Curved arrow mark. ऐसे. Okay. हो गया. I think so. Yeah. भाई इसने तो बहुत ही सही खेला भाई, ऐसा खेलता नहीं है पता है जनरली. आज पता नहीं क्या हो गया इसको, कैसा खेला, पीस डाउन है भाई. रक्षित ने इतना क्रेजी खेला ना भाई, हमारे टूर्नामेंट में हकता है ये. मेरे साथ ही अच्छा खेलते लोग. ब्रो ब्रो ब्रो, अपने को दूसरे लोग क्या खेलते हैं उससे अपने को कुछ लेना देना है नहीं. वो हम लोग रोक नहीं सकते, हम लोग सिर्फ इतना फिक्स कर सकते हैं हम लोग कैसे खेलेंगे, और बस वही फिक्स करना है अपने को. दूसरे को करने दो, जो जैसे खेलना है खेलने दो. पर ये पोजीशन भी अच्छी है ना, तुम जीत रहे हो, बट यू नो एवरी टाइम इट इज वो एडवांटेज जो है धीरे धीरे कम हो रहा है. जैसे तुमने जब ये खेला, मुझे पता भी नहीं तुमने ये देखा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, देखा मैंने. तुम्हारा दिमाग अटका हुआ है कि पीसेस चेंज कर दो, पीसेस एक्सचेंज करने हैं, टेक टेक ये, और यहाँ पे तुमने डायलॉग मार दिया क्योंकि तुम ये तुमने देखा कि भाई मर गया, उसको लगा ये रूप मरेगा तो मैं आ जाऊंगा वापस, बट अंत में ये मर रहा है ये तुमने देखा नहीं. एक तो वो देखा नहीं, एक तो मैं इधर देख रहा हूँ धीरे धीरे पोजीशन खराब हो रहा है, ऊपर से बंदा आता है आके डायलॉग मार के आ गया डायलॉग मार रहे खुद का वाट लगा हुआ है. सो दैट्स अनदर मिस्टेक, या लाइक यू रिलैक्स्ड, तो पोजीशन और थोड़ा खराब हो गया. खराब हो गया मतलब अभी भी जीत रहे, ऑफ कोर्स यू आर स्टिल विनिंग, बट एट सम पॉइंट उसको ब्रेक डालना होगा. एट सम पॉइंट यू हैव टू यू नो Think which pieces belongs where. Your knight belongs here. तो उसको जितना जल्दी हो सके वहाँ पर लाना चाहिए. ये move भी मुझे पसंद नहीं. इसको तो ultimately तुमको ये दो pawn को रोकना है ना, तो king को यहाँ पर लाओ. और ये open file पे कुछ नहीं होगा. रुक लाएगा तो तुम्हारा knight कितना सुंदर है. ये knight को कोई मैं king को save करा था उस तरफ right side. King सबसे safe यहाँ पर है क्योंकि तुम्हारा knight जो है d4 पे आ जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. Got it. क्योंकि देखो किंग को उधर जाना है ना, वो लोग वो तो पॉन पुश ही करेगा. ये एक बात बोलो मुझे ओबीएस का, ये जो सुपर चैट्स आते रहते हैं मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ये चला जाता है, ये मैं बाद में पढ़ सकता हूँ? हाँ बाद में पढ़ सकते हो. स्ट्रीम एलिमेंट्स क्लिक करो ऊपर ओबीएस में. ओके. हाँ और एक्टिविटी फीड ऑन कर दो तो आपको लेफ्ट में देखो. हाय सूर्या, दिस इज सुपर चैट, ग्रेट फैन ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ये तो मैं लास्ट पे भी पढ़ सकता हूं ना. सागर शाह. यस. हां क्या यू विल क्रश सागर शाह? क्या है ना लिखा है ना उसमें? अच्छा मैं देख नहीं पा रहा. ओके फाइन. तो यहाँ पे जो हो गया फिर ठीक है, तुम्हारा नाइट आया और वापस तुम जीत रहे हो, पर yes. अभी तुमको ये पॉन को कुछ करना है तो Rook B1. तो यहां से क्यों नहीं गए? एक मूव पहले रोको ना उसको. yeah, आगे क्यों sense. और उसके पास टाइम नहीं है, वो हटा नहीं सकता, फिर तुम पकड़ के मार दोगे. हाँ सही यार, ये बार बार चला जाता है, बार बार मैं मूव करता हूँ ये चला जाता है. फिर वो ये खेला, अभी भी शायद जीत रहे हो पर इसके बाद नहीं. ये एक्चुअली ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नाउ यू हैव टू एक्टिवेट, नाउ इट इज बिकमिंग मोर टेक्निकल. तो ये गेम का दूसरा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि गेम चला गया अभी ऑलमोस्ट हाथ से, ड्रॉ हो रहा है, ये पोजीशन है ठीक है. ये पोजीशन अगर मैं तुमको शुरू से देता हूँ और मैं बोलता हूँ किसी के साथ खेलो, तुम आराम से ड्रॉ करोगे. नहीं भाई मैं फिर भी ब्लंडर ही करूंगा. नहीं करोगे क्योंकि तुमने मेरा नाम देखो ना भाई chess.com. तुम ब्लंडर क्यों किया पता है? तुमने वो दिमाग से निकाला नहीं कि तुम जीत रहे. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार मेरे को ये पोजीशन. क्यों? ऑपोजिट कलर बिशप मतलब क्या नहीं है? मतलब मेरे को किंग और पॉन का बहुत ही मुश्किल आता है. किंग में मतलब दो दो तीन दिन पॉन होता है ना, मेरे को ऐसा अंदर से वो धक 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 होता है कि भाई गए अभी. राइट. सो बेसिकली क्या करना होगा यहाँ पर, मुझे स्टिल लगता है तुम ठीक खेल रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन, यू ब्रॉट योर किंग. ओके
एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन, इधर चाहे तो ईफाई डाल सकते हो. अरे यार व्हाई एम आई मेकिंग मूव्स, या हैंग ऑन, सॉरी सॉरी गाइस. या चाहे तो ई5 डाल सकते हो, चाहे तो h4 डाल सकते हो, और कुछ भी खेलो ड्रॉ है. पर तुम्हारा लाइक मेरा जो एनालिसिस है, तुम्हारा दिमाग पे तब भी था कि मैंने विन मिस किया. रेंडर ही करना है। नहीं, मैंने विन मिस किया, मैं जीत रहा था. हाँ, मुझे मुझे वही लग रहा तो वो दिमाग से तुमने नहीं निकाला, वो तुम पास्ट पे जो हो गया उसको पकड़ के बैठे हो. माइंड इज नॉट पास्ट में, तो फ्री. बहुत कुछ हो गया भाई। हाँ हाँ, तो पास्ट पे जो हो गया उसको अगर पकड़ के बैठेंगे तो आगे नहीं जा सकते. यस, एक एच फोर रन. खेल के वो करना चाहिए। पर आई हाँ वॉज स्टिल थिंकिंग कि क्या पता मैं अभी भी जीत जाऊं कुछ करके। आई डेंट वॉन्ट टू एक्सचेंज एनी पॉन। या सो बेसिकली इट्स द सेम थिंग. लाइक इफ यू जस्ट थिंक अबाउट पास्ट, देन वी विल नेवर मूव टू लाइक प्रेजेंट पे कुछ नहीं या करेंगे एंड सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहेंगे. पॉइंट। एक कुछ तो डायलॉग सुना था रंग दे बसंती पे, बट आई कैनॉट से दैट ऑन द स्ट्रीम. क्या था बोलो ना, गाली थी क्या उसमें? हाँ मतलब ओके, इट वाज लाइक एक पैर यू नो फ्यूचर पे रखोगे, एक पैर पास पे डालोगे, तो प्रेजेंट पे क्या करोगे? ठीक प्रेजेंट में मैं समझ गया क्या हो जाएगा। तो प्रेजेंट पे रहिए आप, ले भाई लेजेंड। कैरेक्टर पे रहिए, प्रेजेंट पे रहिए. ऐसा इसका एक वेरिएशन मैंने सुना था। एक बच्चा अपने एक बाप अपने बच्चे को बोलता है, बेटा आज मुझे सपना आया कि मेरी एक टांग हवा में थी हाँ एक टांग जमीन। हाँ तो बच्चा बोलता है, पापा ऐसे सपने मत देखो। सेम मैंने भी सुना था भाई। ओके सो एनीवेज, हाँ फिर ये जो तुम्हारे दिमाग पे रह गया कि तुमको जीतना है करके, खेल देना इधर h4 खेल के ड्रॉ करके आ जा, घर आ जा. हाफ पॉइंट तो मिल रहा है ना, मार दे भाई, इसको, मार दे, मैं बताओ. विन के लिए सोच रहा था। पता है मैं सोच रहा था, चलो आई स्टिल विन या वो एक पासर मिलके। बट दैट इज बिकॉज यू आर विनिंग, दैट्स व्हाई आई सेड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन यू विल नॉट लूज. इधर भी देखो, पॉन को खा ही नहीं रहे हो तुम. ठीक है चलो, इसको भी दे दिया. अब पता है क्या करना है तुमको, ये बिशप को यहां लाओ, यहां पे लाओ, और बोलो अभी जिंदगी भर तुझे जो खेलना है खेलने, मैं एक बार ये खेलूंगा और एक बार उधर जाऊंगा, फिर से इधर आऊंगा उधर जाऊंगा. Got it. अभी भी बचा सकते हो पॉन को, पर तुम्हारे दिमाग में है कि तुम जीतोगे. हाँ कुछ है नहीं, अपने पास एक बचा है, वही लेके जीतूंगा. ड्रॉ कर लेना चाहिए ना हाँ आराम से. भाई। ये यहां पे मेरे को लगा किंग से मार देगा यार, उसने बहुत अच्छा मूव फाइंड किया। ये दिस इज द ओनली मूव दैट विंस नो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स द ओनली मूव. क्या गजब, करना है ब्रो, और एक खेलेगा पजल रश करते हैं ना, खेल पजल? सकते हाँ हैं नहीं, जो हाँ आप बोलो। पजल करते हैं सर. पर मैं खेलूंगा तो ऐसा कुछ सीखने को ज्यादा मिलेगा नहीं। पजल करेंगे तो लोगों को भी मिलेगा कुछ सीखने। मैं तो खेलते रहता हूँ। नहीं मुझ हाँ श्योर, पर मुझे लगता है कि गाइस अच्छा लगा कि नहीं, जब समय जब खेल रहा था मैं कमेंट्री कर रहा था, हाउ वाज इट? या लेट्स डू द सर्वाइवल ऑल्सो थिंग. मेरे वो दिमाग में ये भी है ना कि मैं वो सारे ओपनिंग जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो नहीं खेल सकता ना स्ट्रीम पे, नहीं, इसलिए वो नहीं खेल सकते, कुछ भी हो इसलिए जाए. मैं D4 ये सब ट्राई कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। मैं जब आनंद के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस, तो ड्यूरिंग दैट एंटायर फेज आई कुड नेवर प्ले द लाइंस दैट वी प्रिपेयर्ड, बिकॉज लोग मुझे भी फॉलो करते थे ना, उनको लाइक ऑल सेकेंड्स विल एग्जैक्टली बी फॉलोड, सो नहीं खेल सकता. तो एग्जैक्टली अभी हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैं भी नहीं खेल रहा हूँ, तुम नहीं खेल रहा हो, मैं भी नहीं खेल रहा हूँ, क्या पता देख जनता लिया क्या जाए. करी है। यस जनता ओपी करिए ओपी। 25K OP. थैंक यू, थैंक यू अरे गाइस. भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर दें यार, लाइक मार दें भाई, सब्सक्राइब कर दें सूर्या गांगुली की चैनल को। चैट से ही पूछ लो क्या करें, एक और गेम खेले या पजल रश करें। हाँ क्या करे, गेम खेले या सर्वाइवल करे, मुझे सिर्फ एक चीज का टेंशन है, ये सर्वाइवल चला जाएगा तो फिर जीरो से चालू करना होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट यू नो वी वर दे वांट वन मोर गेम, ओके आई डोंट माइंड वन नहीं मोर अभी गेम आपने जो तो. बोला शायद वो 15 सेकंड बाद जाएगा ना, यू शायद पहले वाले का कह रहे थे। हाँ करेक्ट करेक्ट, लेट्स सी लेट्स सी. हम लोग कब किए थे लास्ट ईयर 43? आई डोंट नो व्हाट इज, ये राकेश बोल सकता है, इसको लॉक कर सकता है, हम लोग लॉक करके रखेंगे. नो दे आर मोर अबाउट गेम गेम ओके चलो गेम खेलते हैं। गेम 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 मैं बोल रहा हूँ और एक मेंबर को। ओके.
या छोड़ो, मैं रैंडम किसी से खेलता हूँ, क्योंकि मेंबर को जानता है ना, मैं मेंबर को भी वो मोमेंट ऑफ फेम चाहिए, तो मेंबर भी अच्छे से खेलेगा फिर। रैंडम किसी का खेलते हैं। एकदम, तो मैं तुमको फॉलो करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। तो इस बार अपने को बिना इमोशन के खेलना है, हारो जीतो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या चालू हो गया क्या? Right, I'll read the chats then until he finds his opponent. Give him endgame puzzle. Yeah, Richa, I'll give that. Dinesh Sharma says delete Shagor emotions, desire to win. Yes. Sibam Shekhar, hi Surya, this is super, great fan of your knowledge and experience. Thanks streaming. Yeah, thank you, Shibam. Rakshit, Suraj Panchal Sen says hi. Samay ke dimag mein filhal mini clip chal raha hai. Grandmaster Gogo. Nikaru Hakamura Sen says Samay plays like this and expects to win against Joel, blah blah blah. Mini clip incoming, bots. Okay, boys. Alright. Goodyman is asking, what are your thoughts after a loss or win, sir? Huge respect for you. Well, everybody will get some sort of thoughts, but you know, it's better to avoid, better to get away of this as quickly as possible. अच्छा, meanwhile समय को कुछ शायद game नहीं मिला और वो headphone भी हटा लिया, तो I don't know, he cannot hear me clearly. Yeah, Aditya, moves are coming little late. Sudarshan Rangan says thank you all for this, very interesting, and I learned a lot from this streams. Surya OP, Sagar OP, thank you. Durgesh is saying समय भाई आप ही जीतोगे, don't worry. Chat क्या बोल रहे हैं? No, I am showing the board, guys. I think game has not started. I can refresh. I think I am following him. I can refresh. क्या हो गया? तुझे opponent नहीं मिला क्या? Game started. Wait. Let me do it again. Hang on. Maybe game started. Ah, sorry. Yeah, game started, guys. Game started, and let me fix this. Yeah. All right, what do we have now? Samay ka naam de raha hai to. Okay. Yeah. All good. And Samay is winning again. Wow. That happened fast. So what happened here? He attacked the knight. Opponent ko laga isko marta hu, mar ke ye attack hoga, par ye mar ke ye mar raha tha. Now he is hands down winning. Now again it is about emotion, but is baar Samay ko dekha jaye ki wo kaise soch raha hai. Chat is saying some note ban. Yeah, bar is very high. So computer probably will say something like knight g5 is winning. I don't know, but in a game I would, if it was my game exactly, I would have played knight d5. Wow, I would have played knight d5 in a game, no doubt. Sushant Verma is saying, Surya Shekhar Ganguly, please ask the mods to time out who are spreading fake news. Yeah, I simply cannot read the chat because, you know, there are so many random things are happening. So I'll focus on the game. Yeah, now we can take the knight. Take the bishop. He will take. And then I'll go knight g5. So basically, after taking this bishop, when I put my knight to g5, this thing is hanging. Which is possible.
What else is possible? Yeah, he took. He took. Now he will take and then just knight to g5. Because this pawn is weak. Knight g5 also protects this bishop. Samai plays bishop g5. I don't like this much. It's just a tempo, but the bishop essentially is not doing anything. Yahan pe kuch kar nahi raha hai. You want me to show the bar in OBS? That's something I don't like to do, but okay, fine. Chalo. Happy? Happy, guys? Alright. Bar dikh raha hai, time dikh raha hai. All set. All set. All set. Yeah, it's still winning, but it's kind of unnecessary. Yeah, now this pawn is attacked. I like knight d4. ये यहाँ से अटैक किया हुआ है. पर पता है क्या, मैं समय को पूछूंगा वो बोलेगा अरे मैं तो भूल गया था ये मर रहा था. बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस दिस टाइम. आई थिंक ही सॉ के इधर मारने से ही कैन टेक. लेट्स सी हिज इमोशन राइट नाउ. आई या ही सॉ ही सॉ ही प्लेड द मूव इमीडिएटली. सो ही न्यू. Yeah, he knew. Mehul Gupta is asking, sir, what do you think Samai's FIDE rating would be? So there is an embarrassing thing that I have to admit, that when I started playing chess, the rating was 2100, the base rating. And I can still understand the difference maybe between 2100 or 2000. But honestly, guys, when it comes to below 2000, I don't know, like I have no idea what is the difference between 1800, 1700, 1200, 1300. This I simply don't know. I mean, I'm just even if I play, I don't think I'll understand what is the difference. Mujhe pata hi nahi hai, like if you ask me what is the difference between 2200, 2300 or let's say 2400, that I clearly know. It's exactly the same. Pata hai kya hoga? मैं अगर आपको पूछू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2500, 2600, 2700, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल. तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है. बट अ कोच हु इज यू नो मोर वर्किंग विथ दे नो द रेटिंग एंड ऑल, सो देन दे विल बी एबल टू टेल. या गाइस प्लीज जॉइन माई डिस्कॉर्ड. ऑल्दो यू माइट बी डिसअपॉइंटेड दैट I mean, I am communicating there, but I still don't know all the features, but I'm sure I'll learn very quickly. Kaise freeze ho gaya? Wapas freeze ho gaya board? Ah, yes, sorry. Yeah, so this is what happened. Aray, Samai ne miss kiya move. Idhar queen d5 check de sakta tha. But okay, he's still winning. And yeah, now he's winning. Opponent has to play queen e5, only move. He will change the queen and play something. Rook e7. It's a rook up. This game is not going to spoil. And this time I am actually seeing that I'm seeing that he's more calm. Aisa nahi soch raha hai ki jeet raha hu, ye kar raha hu. और ये गेम के बाद भी नहीं आना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो आप, कोई ब्लिट्स खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, वो एक गेम के बाद अगर आप सोचने लगोगे ना कि यार ये कैसा जीता, कैसा मार दिया, ये सब जितने भी ये सब डायलॉग्स होते हैं ना, ये सब लोअर लेवल्स पे होते हैं. मैं आज तक मैं आनंद को नहीं देखा एक गेम जीतने के बाद ऐसा बोल रहा है कैसा तुझे कैसा दिया, ये सब चलता ही नहीं है. सो द मोर हायर यू गो यू नो यू अंडरस्टैंड हाउ लेस यू नो. सो basically that's why you will see more at top most players are very humble, because there's I am perfectly aware how much I don't know, perfectly aware. पर level जितना जितना हम लोग कम जानेंगे उतना हम लोग उसको confidence confident के साथ डाल के you know try करते हैं दिखाने को कि हमको सब पता है. and कल श्रीनाथ भी एक अच्छा चीज बोला था stream पे. श्रीनाथ बोला था कि वापस फ्रीज कर दिया मैंने, एक सेकेंड. या तो श्रीनाथ वाज सेइंग के इफ यू आस्क आनंद और समवन राइट लाइक समथिंग अबाउट द पोजिशन,
They will be like, no, I'm not completely sure. But if you ask at weaker level, they might be, some people might say, you know, I'm 100% sure about what I'm saying. Kush Gupta is saying, I think you need to have chess.com window selected, otherwise the board gets frozen. Other than that, I love your stream. Thanks, Kush. Thanks for being patient with me. Actually, thank you everyone, because I'm not an expert in either in OBS or in chess.com. I mean, half the things I'm constantly learning. Why it is frozen again? Wait. So I will refresh the chess.com window. How is it now, guys? How is it now? Wait, so there will be like 15% 15 seconds delay. All right, so here that's I really don't encourage if you guys are using abusive things, so I'm just hiding few users. Yeah, so guys, please make sure that, like, no abusive language on the chat, and mods, any single abusive language, kindly ban them forever. Thank you. I enjoy teaching. I enjoy to help you guys to improve chess. But the thumb rule is like, if you cannot behave properly, then there is no way you are going to improve anyways. So then definitely this is not your place to be. So even to, you know, whether to become a good player or whatever, this is the first criteria. G4 is a fantastic move, guys. Look what some I found. If bishop g4, there is back rank. Lovely, lovely. Lovely, guys. So this time I'm also looking at Samay from, okay, now his opponent also blundered. I think he will resign. Rakshit says, please clarify, I didn't use engine. Yeah, Rakshit, I'm confident you did not use engine, because throughout the game you were almost losing. So I totally agree on that. And now Samay is winning. Fantastic. So this time, right? This time Samay was, ye kya kar diya? Faltu mein ek rook de diya. But okay, anyways, he's still winning and he will win this game. And I think his emotion was, no, but what he is doing? Why did he play this move? Can somebody explain me? So that's another thing which he should not do, yeah? He should not have come on. See, he's having fun. You know why this is not good? He is making fun of his opponent. He will win this game, but this is not ideal. This is not an ideal attitude. So if he wants to improve, he should, every game he should crush his opponent just as it is. There is no need to make fun. Just win the game. That's enough. You have to just win the game. Oh no, this is not ideal. Not ideal, guys. नहीं, ये गेम तो वो जीत जाएगा, पर ऐसा है कि क्या पता कभी एक गेम चला जाए ऐसा करके इस आदत से. No, I understand he is having fun. I am not, that's fine. I'm not criticizing him. I am saying this for his own betterment only. So I know this game he will win, but if he gets a better attitude, he will win more games. That's what I'm saying. Right now, this is mate in one. See, he could play queen e2 check and it was mate in one. वो अभी आराम से खेलेगा, खेल खेल के जीतेगा. Yeah, Rakshit, I told you. I know you did not use engine. देखो, मजा ले रहा है. So this is the another thing I wanted to say. Like, if in winning position तुम अगर इतना enjoy कर रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है, फिर कभी तुम्हारा खराब position आएगा तो तुमको बुरा लगेगा.
एंड दोनों बोथ इमोशंस आर नॉट गुड. जैसे होता है ना, लाइक अगर मुझे कोई बोला सूर्या तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, इस पे अगर मुझे अगर बहुत खुशी आ गई, कल कोई बोलेगा सूर्या तुम बेकार एक्सप्लेन करते हो, फिर मुझे बहुत दुख होगा. तो आपको खुशी अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो दुख भी ज्यादा होगा. सो इन अ विनिंग पोजिशन इज समबडी डज दिस, इन अ लूजिंग पोजिशन यू नो ही विल बी अनॉयड, वेरी अनॉयड. नो गाइस कम ऑन, हाउ कैन आई स्कोल्ड हिम, इट्स नॉट लाइक कोई बच्चा थोड़ी है. आई विल टेल हिम एंड इफ ही थिंक्स द इट मेक्स सेंस देन ही विल चेंज हिमसेल्फ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ पर्सनैलिटी, राइट? यू कैन ओनली एक्सप्लेन, एंड इफ दैट पर्सन यू नो थिंक्स दैट इट मेक्स सेंस देन ही विल चेंज. इफ ही थिंक्स नो देन ही विल नॉट चेंज. हेलो 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 हेलो, यो यो यो. यो यो यो, मजा आ गया? हाँ भाई, उसने रिजाइन नहीं किया, मेरा गुस्सा आ गया. गुस्सा आ फिर गया. मैंने उसको बोला नाउ आई प्ले विद हिज माइंड, ओके, तो तो मैंने उसको लास्ट तक रखा. ये गुस्सा जो है ये कुछ काम का नहीं है. लाइक दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ इमोशन. तो मैं यही बोल रहा बट वो था, रिजाइन नहीं कर रहा है, मैं दो रुका हूं. तो अच्छा है ना, ना करने दे, क्या फर्क पड़ता है, मेट कर दे जल्दी जल्दी. ऐसे लोगों को मैं चार चार कोई मना के हराता हूँ. क्यों क्यों करता है बेकार में, खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का टाइम नहीं, ज्यादा. उसको उसके अंदर वो फीलिंग आएगी ना, ओ ही माइट ब्लंडर, फिर भी नहीं उसको उसका एकदम ऐसा. एक ठीक है, एग्रीड. एक बात बोलो, ये स्ट्रीम पे हम लोग उसका फीलिंग फिक्स करने को जा रहे हैं या तुम्हारा चेस फिक्स करने को ट्राई कर पर रहे मेरा हैं? चेस भी, मतलब अगर मैं एक अपने आप को एक मुश्किल पोजीशन में डाल के जीत रहा हूं, हाँ उसमें हाँ बुरा है कोई? हाँ हाँ है थोड़ा लाइक. सो लाइक अगर हम लोग विनिंग पोजीशन पे ऐसा करेंगे ना, तो फिर लूजिंग पोजीशन पे भी हमको तकलीफ होगा. सो पर मैं ऐसा थोड़ा एक ना करूंगा टूर्नामेंट में. पर ऐसा वो मतलब दो रुक कब हूं मैं. तो छोड़ देना, एक बार हरा के लाइक रेटिंग ज्यादा ले जा, फिर तुझे ऊपर पे ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा. यू आर हाँ, गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्लेयर बिकॉज यू आर प्लेइंग एट अ लोअर लेवल. मेरे को स्कॉलर मेट जो भी थ्रेट देता है ऐसा करता है, मेरे को बहुत ऐसा दिल में दर्द होता है भाई. भाई दिल दिल से दर्द निकाल दो. चेस इसके लिए है नहीं, चेस पे ऐसा कुछ इमोशन विमोशन रखना नहीं है, अपने को बस जाके खेलना है, बेस्ट मूव करना है और जीतना है. सो नेक्स्ट टाइम यस से दो डालो सीधा. बिल्कुल. पर ओपनिंग सही खेली. ओपनिंग अच्छा था एंड देन दिस टाइम एटलीस्ट वन गुड थिंग वॉज वेन यू गॉट विनिंग पोजिशन यू आर नॉट कंप्लीटली बिन रिलैक्स्ड. बेटर. ये या अपार्ट फ्रॉम दैट आई दिस लास्ट क्लेम. थिंग, या लास्ट में तो मेरे को एकदम हो गया कि भाई इसको तो मैं अभी बेल रहा हूँ भाई, तो इसको मैं ऐसा. इसको भी दिल से निकाल दो. यस जब खेलोगे दिल पे कुछ मत रखो, कौन क्या कर रहा बिल्कुल. है, यू नो लाइक ज्यादा खेल रहा है, ये कर रहा है. एंगर इज ऑलवेज बैड. एनी टाइम यू आर एंग्री यू आर फिनिश्ड, एनी टाइम. सो एंगर इज बैड, लाइक मुझे भी आता है, बट एवरी टाइम एंगर डजेंट लीड एनी वेयर. तो क्या करना है अभी? कुछ इसमें सीखने लायक नहीं था इस गेम में हाँ देख सकते हैं. कुछ, मतलब वॉज देयर एनी मेन मिस्टेक और एनीथिंग? नो आई आई क्वाइट लाइक योर गेम. द ओनली थिंग या लाइक यू गॉट योर पोजिशन, यू गॉट योर किंग्स गैम्बिट स्टफ, ये तो ब्लंडर कर दिया उसने. हाँ, वो क्योंकि हमें समझा नहीं, आई थिंक उसका मिसकैलकुलेशन हुआ. बट दिस पोजिशन इज वेरी बैड. लाइक वो अगर इधर सॉरी इधर पॉन से मारेगा, फिर तुम नाइट से मारोगे, फिर ये अटैक्ड है. आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेरी हैप्पी इन दिस पोजिशन. या ओके आई एम श्योर इन टूर्नामेंट. मैं बोल रहा था पता है कि कंप्यूटर शायद नाइट जी फाइव बोलेगा यहाँ पर, बट मेरा टूर्नामेंट गेम होता है, आई वुड हैव प्लेड 95 व्हाट यू प्लेड, दैट्स फॉर श्योर. मेरे को, हाँ मेरे को एक जगह पे मेरे को बहुत वो हुआ था. मैंने बहुत सोचा था अनलेस देर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू शो इन दिस पोजिशन, बोलो. नहीं नहीं बोलो, आई डोंट वॉन्ट टू शो एनीथिंग हियर. एंड में जाओ लाइक टू इन द मिड गेम हाँ व्हेन द एक एक्चुअल गेम यहाँ वाज. यहाँ पर शायद बिशप को तुमने ये खेला ना, इंस्टेड ऑफ दैट मे बी टू पुट द नाइट हियर एंड अटैक हियर इज बेटर. मेरे को पता क्या लग रहा था, बिशप, मेरे को लगा उसका क्वीन ट्रैप हो गया. मेरे को लगा मैं बिशप जी फाइव खेलूंगा, वो कुछ भी खेले मैं बिशप डी थ्री खेलूंगा और उसका क्वीन ट्रैप. पर फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि उसका क्वीन एच फाइव है. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट. या सो यू प्लेड दिस और उसने फिर से ब्लंडर किया, उसको एटलीस्ट 95 डालना चाहिए था, बट एनी वे यू आर विनिंग दिस पोजिशन, दैट्स फॉर श्योर. हाँ, मैंने पता कहाँ कैलकुलेट करा था. आप आगे लो. ये देखा था क्वीन ई फाइव है? क्वीन ई फाइव मैंने नहीं देखा था. हाँ हाँ, क्वीन ई फाइव नहीं देखा मुझे था. लगा एक्चुअली, क्योंकि तुम इसके बाद सोचे हाँ, मैं पता क्या सोच रहा था, किंग जी एट खेलेगा और मेट कर देगा. मैं सोच रहा था रुक टेक्स विल बी द वन कब? आफ्टर क्वीन ई फाइव,
रुक टेक्स एच सेवन चेक. गर्लफ्रेंड, रुक टेक्स एच सेवन चेक इज गर्लफ्रेंड. सो अगेन नहीं, इसके बाद आप अभी क्वीन जी फाइव ई5 खेलो. हाँ, इसके बाद हाँ रुक एच सेवन ना, मैं ऐसा मूव सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि लाइक मैं चैट के साथ शेयर कर रहा था, गर्लफ्रेंड का एक बहुत अच्छा कहावत है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ ब्रिलियंटली और हाउ क्विकली यू विन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ सेफली यू विन. मेरे साथ कोई क्वीन ई फाइव खेलेगा, मैं बिना देखे मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मैं जीत रहा हूँ, भले 50 मूव क्यों ना लगे. मेरे को लगा कुछ ऐसा ब्यूटीफुल चेकमेट होगा. क्या होगा, मैं क्या खेल रहा था, एक ही पॉइंट क्वीन मिलेगा एच, तुझे. क्वीन एच फोर आप खेलो. ओके सॉरी, रुक टेक्स खेलो, रुक टेक्स हाँ मारा, खेल दो ना अभी. खेलूंगा तो वो चला जाता है क्योंकि फिर मूव. अच्छा ठीक है, वापस लाऊंगा. हाँ, किंग टेक्स, क्वीन एच फोर चेक, किंग जी सेवन, क्वीन ई सेवन चेक, और यहाँ पे आई थॉट आई एम स्टिल हैविंग समथिंग. No, you don't. Yeah. So the thing is, क्वीन right? The thing is, energy भी बोर्ड पे लिमिटेड होता है. एक सेकंड भी क्यों वेस्ट करना है इसपे? या तो देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, अपन क्वीन से क्वीन वो कर देते हैं एकदम खत्म. absolutely, absolutely. या And I all in such moments I always remember girlfriend. Like it is just how safely you win. That's हाँ, what तो is मैं बोला important. बस सेफ खेलते भाई, क्वीन एक्सचेंज करके रुक डालते बीच में, बस शॉट. टूर्नामेंट पे भी ऐसे ही करना, ये क्या था पता टूर्नामेंट में तो नहीं. मैं एकदम ऐसा सॉलिड खेलूंगा भाई, टूर्नामेंट में ऐसा एकदम. व्हाट इज दिस ओपनिंग, बस इसके बाद मैं बोला चलो कर दो भाई रिजाइन अभी. नहीं तो ये दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वीकर ऑपोजिशंस, लाइक पर दिस भाई विल आप नेवर सोचो ना, अगर ये हैपन. सब करके स्टेलमेट अगर हो जाता कितना मस्त कंटेंट मिलता. वो भी तो आप सोचो भाई. वो आप, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर पे भी सोच रहा हूँ भाई हर टाइम. एग्जैक्टली. No, this is not needed. भाई Generally, it is not मेरे needed. मेरे चैनल पे दिस इज ओनली नीडेड भाई सूर्या अरे भाई, वो तो तो तेरा चैनल पे चाहिए ना, पर मेरा चैनल पे तो तुझे इनपुट मैं करवाना कुछ तो लूँ मैं अपने चैनल के लिए भी. तो मेरे को लगा पता है दिल में रोला रहा है. भाई, स्टेलमेट हो जाए जो मजा आएगा भाई, कंटेंट जो मिलेगा. पर हुआ ही नहीं, पता है क्या, एग्जैक्टली. बहुत खूब, बहुत खूब, मस्त ऑसम. एक प्रॉब्लम करेगा जस्ट टू एंड भाई. दिस. पजल करते हैं, मैं तो पजल, मेरे को तो पजल से ही ज्यादा मजा आता है. ठीक है चलो. हो गया क्या यार, अभी डायरेक्टली 47th वाले पे आने में मुश्किल हो गई यार. ये लाइक नाउ इट विल गेट टफ, इट रियली गेट टफ. मेरे को पहले डर लग रहा है इसमें. बिशप फ्री है, अपना मूव है. वाइट टू मून ना. अच्छा बिशप लेंगे तो वो अपना पॉन लेगा, चेक देंगे इसे. हाँ, आई आई थिंक ओके, आई हैवन्ट स्टार्टेड थिंकिंग. बिशप टेक्स d6, बिशप टेक्स e4, e4, देन बिशप टेक्स e5 विथ चेक, किंग हैज किंग g8, एंड देन क्वीन h8, एंड देन वी एक्सचेंज क्वींस. True, but when you play bishop d6, you are threatening to take here. That he knows, so he will not allow. No, he will play f6. भाई यस मयूर, यू आर राइट. बिशप टेक्स d6 e6. अगर मैं f6 चेक से शुरू करूं, फिर वो अगर ऊपर आए तो मेरे पास मेट है, पर अगर वो पीछे जाए f6 के बाद, अगर वो जाए g8, g8, बिशप टेक्स, देन क्वीन h6, इट्स अनप्रिवेंटेबल टू स्टॉप दैट. नो, ब्यूटिफुल. ये एंड मैंने आनंद वर्सेस यान, क्या था,
आनंद वर्सेस ईयान में जो ही हैड हाँ प्रिपेयर्ड या लॉन्ग बो, करेक्ट करेक्ट आनंद एफ दैट वन, है। सो चेक द F6 पॉन एंड क्वीन G7 इज अनप्रिवेंटेबल. मारो F6 चेक, अगर मारो मार दिया तो फिर अपने पास क्वीन H6 चेक है, उसके बाद तो हम बिशप ले लेंगे ना, क्वीन टेक्स. और मेट हो जाएगा। हाँ, नाउ फर्स्ट बिशप टेक्स, नहीं तो क्वीन रोक लेगी. आई वुड थिंक सो आई एम जस्ट थिंकिंग इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन नॉट सी बिकॉज अगर अगर आप सीधा क्वीन H6 जाओगे तो क्वीन आएगी ना F8 में, क्वीन F8 आएगा। हाँ तो आई थिंक फर्स्ट या एंड देन क्वीन H6. भाई ये जो, ओह आई जस्ट लव डूइंग टैक्टिक्स मैन. या यू आर गुड इन टैक्टिक्स डेफिनेटली। ओके, ब्लैक टू मूव. यस आपने जो सिखाया ना भाई, चेक्स कैप्चर थ्रेट्स, दैट्स हाँ हेल्पिंग मी ये अलॉट. बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस कैप्चर थ्रेट्स एंड प्रोफिलेक्सिस। ये तुम अपने चैनल पे मॉड्स कैसे बनाते हो लाइक हाउ डू यू चूज हु यू शुड जस्ट बिकम क्लिक मॉड्स। ऑन समबडी इन द चैट नो नो एंड ऐड मोड. दैट आई नो बट हाउ टू फिगर आउट किसको मॉड बनाना है किसको नहीं ये कैसे करते हो तुम्हारे। मेरे को बहुत सारे लोग पता है जो बहुत टाइम से देख रहे हैं, आई सी देयर नेम एवरी टाइम हियर एंड देयर, तो वही है. बिशप अगेन इट्स फ्री, बट थिंकिंग बिशप लेंगे तो हमारा बिशप ले लेगा. इफ वी टेक द, ओह आई थिंक इफ वी टेक द बिशप, ही टेक्स अ बिशप. मैं आपको पहले एकदम फर्स्ट थॉट बताऊं मेरे दिमाग में क्या आ रहा है. एकदम ऑलवेज ऑलवेज गो विद द फर्स्ट थॉट बिशप ऑलवेज। टेक्स E4, रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2, क्वीन ओके टेक्स D2, ओके क्वीन नहीं टेक्स C5. बट अगेन मेरा जो सेकंड थॉट है वो कह रहा है इतना इजी नहीं होगा. लेकिन क्वीन टेक सी5 के बाद क्या है। वो है जो मैं हर बार होता हूँ, क्वीन D8 चेक. फिर बट क्या अपने है। पास क्वीन F8 है ना, वेरी गुड तो आई डोंट सी अ वे आउट। प्रॉब्लम विद इट. देर इज ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू कैलकुलेट। सो टेक 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 आई टेक टेक्स। नाउ क्वीन D8 इज डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम बट आई वुड लाइक टू कैलकुलेट रुक C3 जस्ट टू बी श्योर। अगेन क्वीन F8. या आई एम थिंकिंग क्वीन F8 पे इफ यू कैन प्ले समथिंग लाइक क्वीन D7 और नॉट बट यू डोंट हैव टू प्ले क्वीन D। या थोड़ा इट्स बेटर टू क्लीन दिस ओके, वेरिएशन। उस पे रुक C6 नहीं खेल सकते हम, फिर वो रुक से मार देगा। क्वीन से मार देंगे और फिर नहीं नहीं हम. बिशप बिशप से मारोगे तुम्हारा क्वीन तो F8 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सोचते हैं. मैं मॉड का बोला अभी सिर्फ चैट पे मॉड ही चल रहा है ऐसा मैं देखूंगा तो कैसे चलेगा। मॉड 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 चल रहा है। बिशप से अगर हमने बिशप मार दिया, हाँ मारा इसको मारा हम लोगों ने मारा। सो बेसिकली ऑल द बिशप्स आर गॉन लेट्स डू इट दिस वे। ऑल द बिशप्स आर गॉन अपने पास एक बिशप है यहाँ पर E4 पे अपना क्वीन यहाँ पर है उसका क्वीन यहाँ पर है और वो रुक C3 खेला। दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू फिक्स। हाँ नाउ आई सी इट व्हाट इट इज। बट इज इट नॉट व्हाट वी आर डूइंग? नो नो इट इज फाइन आगे जाओ लाइक कीप कैलकुलेटिंग। रुक C3 आएगा वो. कौन ओ नहीं, मेरे को क्वीन A3 लग रहा था, पर नहीं. नहीं क्वीन F3 पे रुक सिर क्वीन F3 पे मैं सोचा नहीं क्वीन F8 ही आ जाओ। वो क्वीन D7 खेला नाउ ही इज थ्रेटनिंग दिस रुक टू पुट ऑन C8 सो नाउ यू हैव अ मूव। मैं तो बहुत दूर का सोच लिया आपने. देन डू वी हैव रुक D8, रुक D6. ब्यूटीफुल वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, आई थिंक सो आई थिंक सो। वाह एक बार पॉज भाई कर भाई लेते हैं एक बार भाई. पॉज कर लेते हैं ना क्योंकि सडनली मुझे दिख रहा है रुको यहाँ पे चेक भी है। सो पर वो चेक देने से कुछ, उसका किंग तो वो ना जा रहा है ना B2 पे. B2 पे जा रहे हैं और यहाँ पर थ्रेट है फिर नाउ सडनली आई एम नॉट श्योर क्योंकि फिर हम लोग ऐसा भी खेल सकते हैं। अभी इसका थ्रेट क्या है, क्वीन F8 का थ्रेट क्या है? क्वीन F8 हम लोग खेल सकते हैं फिर वो खेलेगा क्वीन D7 और फिर हम खेलेंगे रुक रुक D6
D6, फिर वो क्या खेलेगा, वो पॉन ले लेगा ना, पर उसका फिर पर वो उसपे तो विन है, उसका विन है उसका। नहीं हमारा विन है ना, हमारा पीस ज्यादा है तो पर कुछ दोनों एब्सोल्यूटली विन नहीं है ना। नहीं। लेकिन इधर ये chess.com पे एक होता है जैसे प्रॉब्लम आ जाता है, देर इज दोनों दो वेरिएशन विन नहीं, ये मुझे विन दिख रहा है। मैं क्वीन f8 खेलूंगा, वो क्वीन d7 खेलेगा, मैं रुक d6 खेलूंगा, ये मुझे विन लग रहा है। अच्छा, अगर आप, अच्छा ये कैसा है कि अगर आप क्वीन एफ8 आओ, वो क्वीन D7 आए, और फिर आप बिशप नहीं ला सकते। नहीं नहीं रुक d6 पे तो मैं जीत रहा हूं, मैं देख रहा हूं क्योंकि कर दें क्या मैं फिर भाई, एक भी गलती नहीं हुई यार। लेकिन ये इधर भी तो जीत रहा हूं, ये चेक खेला, ये खेला, मैं पॉन को कुछ डाल दिया यहाँ पर, वो एनपसन किया। हाँ शायद ये इतना क्लियर नहीं है। बोलो तुम बोलो किस पे जाना मैं तो चाहते हो। यार, मैं तो चेक कैप्चर थ्रेट देख रहा हूँ, मेरे को चेक तो मिला नहीं। ओके क्वीन A3 जाने पे तो उसका रुक आ रहा है सीधा बैक रैंक, तो मैं भी क्वीन F8 ही सोच रहा हूँ फिर। ओके यस यस दैट्स इट, रुक भाई, लेकिन वो d6 और आ गया है भाई, इतना लंबा पजल कभी देखा नहीं मैंने। डैम, ब्यूटीफुल। 23-86, वही हाँ वही था, ट्वेंटी थ्री था। एट्टी सिक्स दैट्स दैट वाज भाई द स्ट्रेंथ। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल भाई, दिल में धक धक हो रही है जोर से। ओके, ऐसे में मेरे को पता क्या होता है, रुक टेक्स होता है ऐसे में, जब भी ऐसा कुछ रहता है पजल, तो रुक टेक्स होता है, पॉन टेक्स होता है, फिर चेक देके वो क्वीन लेनी होती है। किंग एफ पर आई सेवन एम आया, कैलकुलेटिंग, किंग X7 आया तो फिर हम तो क्वीन बच गए ना हाँ हमारा। ये और ये मार भी सकते हैं क्योंकि अंत पे ये बिशप से वो रुक भी मर या जाएगा। फिर अगर क्वीन F7 आया तो फिर क्वीन C4 चेक एंड पिक्स अप द क्वीन, करेक्ट, रुक तो टेक्स। ठीक है, तो फिर ये तो क्लीन हो गया, तो इस पे मारने से ब्लैक क्या खेलेगा, रुक टेक्स पे पॉन से लेगा वो। कौन से लेगा, तो तुम बोल दिया ना मार के क्वीन मार दो तुम, हाँ, और क्या तो कर फिर वो सकते। क्वीन से अपना बिशप लेगा, हाँ करेक्ट, अपने को तो मारना ही है, अपन मारेंगे क्या? मार चेक लग गया ना अपने उससे को, अच्छा हम कुछ कर सकते हैं, पहले रुक से D2 चेक कर, नहीं अपना चेक लग गया ना G1 अच्छा पे, चेक लग हाँ गया। हाँ, फिर तो मारना ही पड़ेगा। फिर वो रुक से मारेगा। या और फिर हम लोग, रुको, हम रुक से मारेंगे वो पॉन से मारे, हम रुक से मारेंगे वो क्वीन से हमारा बिशप मारेगा, हम क्वीन से क्वीन मारेंगे वो रुक से रुक मारेगा, फिर हम पहले चेक देंगे और फिर हम उसका रुक मारेंगे, तुम मत बोल रहे रुक हो तुम्हारा E7 रुक चेक। से, फिर वो ये खेलेगा। वो खेलेगा ना, तो फिर हम पहले उसका रुक मार देंगे, हाँ वो हमारा रुक मारेगा, हम रुकअप है ना हम, फिर रुकअप नहीं है, उसका एक रुक यहाँ पर है, अपना एक रुक यहाँ पर है, और वो पॉन से इसको मारा, तो दोबारा सोचो, फिर से पोजीशन चला जाता है तो फिर से सोचो क्या आप बोल रहे थे, हाँ, अभी मैं इसको बोल रहा था मारा। मैं रुक से वो मारूंगा, हाँ वो पॉन वो से, वो क्वीन से अपना वो मारेगा बिशप, हम हम क्वीन मारा, से क्वीन मारेंगे, हाँ वो मारा, वो रुक से वो मारेगा। अभी तुम बोले इसको मारोगे। अब सोचना है, ओके अब सोचते हैं। अब अगर हम रुक से रुक मारे, वो पॉन से मारेगा, हम उधर जाएंगे, तो हम पॉन अप भी नहीं हो रहे, पॉन अप हो रहे हैं पर उतना कुछ ज्यादा मिल नहीं यही, रहा। कौन सा पौना हो रहा है, वो हमारे लेफ्ट साइड वाले पॉन काफी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली ओ, तो पासर पॉन की वजह से जीत रहे हैं। एग्जैक्टली ओ बोलो अभी क्या करोगे। रुक टेक्स, और अब हम खेलेंगे चेक और वो पॉन ले लेंगे, तो हम वो पासर पॉन की वजह से जीत रहे हैं। हाँ वाओ, 2361 वाला प्रॉब्लम था ये। हाँ वो मेरे को पता था ना कि मेरे को रुक से बिशप एक्सचेंज सैक्रिफाइस करना है। अच्छा, यहाँ पे थ्रेट है कि हमने कुछ अगर ऐसे बर्बादी की, जैसे हमने रुक से वो मारा नाइट, तो फिर वो रुक से G4 चेक आ सकता है, और फिर हम लोग थोड़े, नहीं एक सेकेंड, कैसे आ सकते हैं, अच्छा हाँ नहीं आ सकता। तो हाउ अबाउट वी गिव बिशप, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग, बिशप C4 चेक, नाइट टेक्स एंड रुक F7 मेट। माय गुडनेस यू आर सीइंग दिस थिंग्स वेरी फास्ट। या इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, सो दैट मींस वी कैन एलिमिनेट दैट ही कैन नॉट टेक, सो देन वी हैव टू या सी व्हाट आर द अदर मूव्स ही कैन मेक, सो ही कैन प्ले लेट्स से बिशप E2। मोर ऑर लेस दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू सी, बिकॉज वो किंग हटाएगा कहीं पे, तुम तो इसको मार दोगे, हाँ सो चेक दिस इज द ओनली थिंग ही कैन डू। हाँ एंड देन वी गो
If you go check, he goes there. So then we can play e3. No, let me think. वो इधर आएगा फिर हम आएंगे रुक एफ सेवन चेक वो इधर आएगा चेक ड्रॉ होगा कैसे ड्रॉ क्या नहीं बस कुछ कैलकुलेशन में हो रहा है आफ्टर दैट वी गो रुक एफ सेवन चेक किंग जी टू रुक जी सेवन किंग एफ वन रुक एफ सेवन तो फिर वहाँ पर चलो ओके अदर लाइन आई एम कैलकुलेटिंग इज ई थ्री आफ्टर बिशप बिशप हैंग्स तुम ये दोनों चेक के बाद लाइक दिस नाइट इज ऑलवेज हैंगिंग सो एवरी मूव यू हैव टू कैलकुलेट कैन यू टेक इट और नॉट इन एवरी ऑप्शन सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट व्हाई आई कैन नॉट टेक हियर यस वी कैन टेक इट बिकॉज़ रुक इज पिंड बिकॉज बिशप इज पिंड सॉरी करेक्ट और फर्स्ट मूव पे क्यों नहीं मारे इसको क्योंकि बिशप वो रुक जी फोर चेक आया नहीं रुक जी फोर तो नहीं आ रहा था फर्स्ट मूव पे इसलिए मैंने तो इसलिए नहीं मारा क्योंकि रुक टेक्स ई फोर आ रहा था ब्यूटीफुल तो अभी क्या कर रहे हो ये चेक दे रहे हो ये खेला और फिर हम रुक से नाइट मार देंगे फिर तो तुम्हारा बिशप चला जाएगा चेक देंगे वो किंग हिलाएगा फिर मारेंगे चेक के साथ मतलब उसका बिशप पिन के साथ इस भाई ये वाले भी मैं वीडियो यूज कर सकता हूँ डन वेट लेट मी सॉल्व दिस ये वाले भी मैं वीडियो दोस्तों मैंने क्लिप दो मैंने क्लिप का इनकमिंग हाँ रुक एफ सेवन किंग ए टू बिशप सी फोर वाज मेट डू यू रिमेम्बर द लास्ट पोजीशन नो इट्स कैन नॉट हियर क्योंकि वो लास्ट पोजीशन में मैं जा नहीं सकता इट वाज रुक एफ सेवन पहले बिशप सी फोर चेक दिया था ना तुम बिशप पहले सैक कर रहे थे रुक एफ सेवन से स्टार्ट करोगे तो मेट था सर मैंने तो बोला था हाँ चलेगा चलेगा चलो एक दिन में दो मिनट क्लिप तुमको कंटेंट मिल गया ये तो हिट है पूरा फुल हिट या भाई आप एक बस एक लाइन ऐसे बोल दो आज हम 50 मिनट क्लिप सॉल्व करेंगे बिना कोई मिस्टेक के बस ऐसे बोल दो मैं इंट्रो में डाल दूंगा भाई थोड़ा हम करते हैं भाई आपको पता है हमारा कैरेक्टर चलो तो भाई आज क्या कर रहे हैं हम आज हम 50 प्रॉब्लम करेंगे विदाउट मिस्टेक और कोई भी दिक्कत होगी तो आप सॉल्व करोगे भाई हाँ हाँ क्यों नहीं अभी देखेंगे ना लाइक मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ वो भी तो देखना चाहिए तुम्हारे साथ वॉक करके नहीं पर आप कर दोगे भाई कर दोगे ना आप हाँ हाँ कर दूंगा डन है अभी बाकी काम तेरा बिल्लू करेगा बाकी काम बिल्लू करेगा ओके क्वीन जी सिक्स चेक किंग एफ एट रुक चेक ये विराट बोस इज सेइंग होवर करो 2467 पे दिख जाएगा विराज आई नो दैट मुझे ब्लाइंड भी दिख रहा है पर वो मैं समय को कैसे दिखाऊं हाँ उधर होवर करके ओके मे बी या दैट्स ट्रू आई कुड डू दैट ओके बाय लेट मी थिंक अगर हम सीधा ही चेक दे दें वो इधर आए फिर हम चेक दें आई थिंक वी आर विनिंग दिस वन सेकेंड चेक क्वीन एच एट चेक किंग एफ सेवन रुक एच सेवन चेक किंग ई सिक्स एंड रुक क्वीन टेक्स रुक चेक एंड विन्स द क्वीन अब अभी से मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो गलती हुआ तो तेरा हाँ भाई गुड जॉब ओके थैंक यू सर ओके ओह मेरे को फीलिंग आ रहा है कि हमें को रुक सैक करना है बट लेट मी थिंक रुक टेक्स नाइट रुक टेक्स क्वीन से नहीं देंगे सोचते हैं थोड़ा या तो वो होगा चेक्स कैप्चर्स थ्रेट्स गुड इट्स अ गुड स्टार्ट
Rook takes g8. Then we don't have any checks. People are saying Sagar roasted you. I am planning to toast him. उसका क्या? बोल रहा है कि तुमको roast किया, मैं बोला मैं उनको तो उसको तो toast करने वाला हूँ. क्या ही किया होगा भाई रोस्ट मेरे को. तुम्हारा कॉन्फिडेंस के लिए बोल दूं, ये जो प्रॉब्लम तुम कर रहे हो ये 25-34 लेवल का है. बस अब अगर अगर ब्लंडर किया मजा आएगा भाई. आप मेरे को समझो भाई, आप थोड़ा आई थिंक देयर स्टिल यू हैव टू यू विल अंडरस्टैंड मी फॉर फ्यू मोर डेज. तू मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है ना, फटाफट देख रहा है मूव्स एकदम. हाँ ठीक है, रुक जी तो हो नहीं पाया, और क्या कर सकते हैं, हाँ कैसे अटक सोच करेगा रहा हूँ वो वही क्वीन F6 सोच रहा हूँ. तो. दो पीस से कंट्रोल है. क्वीन को आइडियली कहाँ पे लेके जाना है, थोड़ा कभी कभी इमेजिनेशन अपने को यूज जी करना सेवन पे पड़ेगा. लेके आना है सर. पर अगर मैं सोच रहा हूँ रुक, अगर मैं रुक G3 खेलूंगा उसका क्वीन हिलेगा फिर मैं कैसे करूंगा सोच रहा रुक हूँ. जी थ्री पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो चेक दे देगा, क्वीन ही चेंज हो जाएगा और अपन लोग एक पीस डाउन है. पर अगर हो चेक वही यहां पहुंचना है, वही ये दो कैसे स्क्वायर उसका है. रुक उसका कैसे हिलाऊं मैं वो. अगर मैं खेलूं क्या बोल फॉर रहा एग्जांपल Bishop E2, है? ठीक है Bishop E2 मैं अगर खेलूं और वो कहीं भी जाए, कहाँ जाए वो, वापस जाए घर, और फिर मैं खेलूं Qg3. खेल सकते हैं. और कुछ बेटर दिख रहे हैं? क्वीन यहां जाने के लिए क्या क्या स्क्वायर है तुम्हारे पास? G3 है, G4 है, और यही दो है, नहीं और वो है जो बोल, लेकिन F6 पर वो पकड़ा हुआ है बहुत लोगों ने. और कौन सा स्क्वायर है जो पकड़ा हुआ है, लाइक जहां जा नहीं पा रहे हो अभी? और कौन है वहां तक? H7. तुमको अगर ये पूरा पोजीशन भूल जाओ, तुमको अगर G7 स्क्वायर पे जाना है ये क्वीन को लेके, भूल जाओ कौन सा स्क्वायर स्क्वायर पे जा सकते हो नहीं जा सकते हो. लीगली लीगली कितने तरीके से G7 पहुंच सकते हो दो मूव पे? Qg4, Qg7, क्वीन G3, क्वीन क्वीन जी G3 थ्री क्वीन G3 7, और क्वीन F6 क्वीन G7, और क्वीन G5 क्वीन G7 क्वीन G5 Bishop takes H6 बिल्कुल. स्माइल्स. Bishop takes H6 एंड सूर्या स्माइल्स. ओके अपने को अभी खेलना है क्या? टू मूव ब्लैक टू मूव. ब्लैक टू मूव. ओके दिस इज लुक्स लाइक हमको ऑपोजिशन चाहिए तो King C5 खेलेंगे हम. वो इधर खेलेगा किंग को, फिर हम खेलेंगे King B5. वो यहां से आया था. तो हम अगर वो वहां से आया तो हम खेलेंगे King C5. डिस्टेंस ऑपोजिशन होगा वो, लेकिन King C4 King C6 A4 एंड आई थिंक वी हैव द पॉन. नो ओके गया, लास्ट चांस, 50 करना है अपने को. 50 करना है ना यार. ओके 26-35. नाइट टेक्स यू टेक्स 26-35 पे क्या हम सुपर जीएम के पास हैं? ब्लैक टू मूव. चेक्स कोई है क्या? डंके नहीं, एक है. Knight takes E3 Bishop takes. Knight takes H. मारा मारा. मारा मारा इतना तो लग रहा है. क्योंकि तुम उसके शुरू में बाद चेक नहीं देना चाहते हो, क्योंकि वो नाइट से यहां आ जाएगा, ब्लॉक कर देगा. नहीं, मैं शुरू में चेक नहीं देना चाहता था क्योंकि सर मुझे चेक दिखाई नहीं वहां पे था. इट्स वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, कुछ नहीं बोल तो सकते हम इसका. नाइट से नाइट मारेंगे, फिर हम चेक देंगे और फिर हम उसके क्वीन ले लेंगे. विल टेक Knight टू नाइट देन क्वीन चेक. यहां इफ पे ही आया था कम्स
तो फिर तो हम क्वीन ही ले लेंगे ना अंदर, क्वीन एफ ABCD F2 चेक यहाँ पे आया तो वहां पे आया, तो फिर तो आपको पता ही है। खेल दो। हाँ ओ चेक दू के ना दू? दे दो सर। और अब आपको तो पता ही है नाइट से उसकी क्वीन मर रही है नाइट, है ना 49 लास्ट। भाई भाई भाई। इससे हम लोग स्ट्रीम एंड करेंगे। ये जो है ये अपने इससे हम को स्ट्रीम एंड करेंगे और भाई हम करेंगे 50 पजल सॉल्व, चाहे जो हो जाए। और मैं जो मूव बोलूंगा आप, मैं अपने दिल से सोच के बोलूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं वादा करता हूं आपको आज हम 50 सॉल्व करेंगे। चलो चलो मैं कुछ हिंट एरोगेंस नहीं ऑफ देता हूँ। यूथ, यस। डन डन क्या है ये, कितना है? 20 डन 2691। नूब। ओके हाँ। Rook_c5, Rook_c5। Rook_c5, Rook_c5, Queen d4, Rook is attacked, and then ओ भाई, रुक a8, डबल अटैकिंग द नाइट, देर इज नो वे टू डिफेंड दैट नाइट, एंड इफ द नाइट मूव्स वी गिव बैक रैंक चेकमेट। थैंक यू, थैंक यू, खेल दो। थैंक यू, यस, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस, एंड विद दिस वी आर एंडिंग द स्ट्रीम। ओह व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट व्हाट इट्स अ करेक्ट वन। अरे भाई 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 बोलो मार दूँ। यार, मुझे लगा गलत आंसर अरे क्यों होगा। हाँ गलत हुआ? तो फिर तो अरे मार दो भाई, फिर तो क्या बात कर नहीं रहे हो भाई, इससे वी शुड एंड हियर। आई मीन दिस इज सच अ नाइस नंबर। अरे भाई भाई। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हम लोग 50 से चालू करेंगे और यस वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। कल आ रहे हो? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड भाई, आई एम सो इम्प्रेस्ड। यस, कल आ रहे हैं भाई, कल आ रहे आज हैं। सो पाएगा रात को ठीक से? हाँ आज तो सो पाएंगे भाई, दो वीडियो मिले और क्या चाहिए भाई, चार मिलने आ रहे थे, दो मिले, दो काफी है, दो भी काफी है। एक मुझे वापस बोल कैसे। मुझे रौनक के स्ट्रीम पे जाना है तो आई विल गिव द स्ट्रीम। वो मैग्नस खेल रहा है, ही इज कमेंटिंग ऑन दैट। सो अच्छा हाउ डू आई पुट तो दिस थिंग हियर? अभी आप क्या करो, हाँ अभी नो आई नो आई नो आई आप नो आई नो आई ये हाँ इधर आप वो चले जाओ, और ये वाली लेयर हटा दो नीचे से, क्या लेयर हटा दो? बॉटम ऑब्वियसली राइट वाली। ही शुड पार्टिसिपेट इन सम अदर टूर्नामेंट नॉट सीएम3। या ट्रू। फेल्ड में एक बात कर रहा है, फेल्ड में निकली न्यू सीरीज। स्ट्रेनिंग आल्सो हाँ क्रिप्टो। आई वो भी कर सकते थिंक हैं, गैंग्स माइट फेसबुक पर बी डालते हैं ऑन फेल्ड में द निकली। स्ट्रीम ही टू। दोस्तों फेसबुक पर डूइंग न्यू सीरीज, प्लीज वॉच दैट। ऑलरेडी आई अपलोडेड वन, टुडे राइट नाउ आई एम अपलोडिंग वन मोर। या नाउ ब्लैक ये एंड जा व्हाइट। क्यों अच्छा रहा दोनों है ही हो वैसे? गया। तो यहाँ पे चैट डाल दूँ ऑल्ट ना? ऑल्ट दबा के उसको लंबा कर दो ना, आ ही नहीं रहा है। जब और भी मैं अनलॉक कर दो ना, लॉक द लेयर। बी3 अलाउ, ओ मतलब सूर्या बी3 रेड, अलाउ कर दिया। ओके थैंक्स अब कर सूर्या। दो इस भाई, रेड हो जाएगी शुरू। ओके दिस दोस्तों अभी मत टाइम आई करे कैन रेड, ब्लैक अ लॉट। कर दो ना लंबा उसको। इवन मैग्नस डज। एवरीवन हाँ कर दो कर दो कर समहाउ दो कैन यू गेट द नाइट ऑन कर दो डी4? कर दो कर दो कर दो, पूरा पर वेरी स्लो। पूरा पूरा बड़ा कर दो आप, कर दो पूरा बड़ा। पर कुछ हुआ है हाँ उधर? आ नहीं रहा। अच्छा अभी मुझे उधर जाके उसको मैक्सिमाइज उधर करना जाके है क्या? चैट भी तो खोलो, चेस उनका उनका चैट के लिए भी इरा रखो ना थोड़ा। वेट। शेयर स्क्रीन आ वाला। गया आ गया। रेड चालू हो गया। व्हाई गुड। नो लाइक विल इट तो ट्रोल ओके मी? मैं बढ़िया भाई, ज्वाइन करता रिफ्लेक्ट द हूँ। ओबीएस और आई थिंक सो। आई'ल ज्वाइन देयर दैट्स व्हाई आई एम अ बिट स्केर्ड। या एंड यस बट देन नो प्रॉब्लम। आई'ल एंड द स्ट्रीम। इधर क्या कर रहा है? मैं यहां से आ रहा था भाई, साइड से जगह ही नहीं ना मेरे पास ओवरले। तो बाय एक बात मुझे बताओ, चैट। मैं जब भी यहाँ पर ओबीएस पे जाता हूँ वो चला क्यों जाता है मेरा? पता नहीं ओके यार, कुछ नया अपडेट है क्या है, मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड में पॉज हो जाता है क्रोम। रुको तुमको थोड़ा मे बी वी फीस। हैव टू स्टार्ट।
यूजिंग फायरफॉक्स समथिंग एटलीस्ट तुमको जब बाय करूंगा इधर से तुमको खींच के निकाल तो दूं आ जाओ सर पे आ जाओ अरे भाई मैं सर पे चढ़ गया मैं तो 50 प्रॉब्लम की अभी तो थोड़ा सर पे चढ़ाना होगा पैर कहां से दूं स्ट्रीम पे उठाओगे स्ट्रीम पे उठाओगे पैर नहीं नहीं पैर नहीं भाई पैर उठाने से आपको तो पता है क्या हो जाएगा परम मकसदलू के साथ और हाँ मजा कर देता हूँ थक रहा है थोड़ा थोड़ा गर्दन थैंक यू थैंक यू कल मिलते हैं पक्का एंड मैं कुछ सुपर चैट शायद मिस किया आई शुड रीड राइट तुम जाने के बाद मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल मैं चला जाता हूँ अभी ठीक है चलो बाय बाय थैंक यू ऑल राइट थैंक यू गाइस आई रीड सम सुपर चैट्स नाउ पजल 46 योर लाइन बिफोर फोर्स चेकमेट विश माय फ्रेंड रोहित हैप्पी बर्थडे या हैप्पी बर्थडे रोहित हैप्पी बर्थडे रोहित अरे हैप्पी बर्थडे बिग हैप्पी बर्थडे टू यू अरे हम इधर ही है भाई हम कहीं नहीं जाते भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चाहते जाते और एक लाइक मार दीजिएगा बाय बाय एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रौनक के चैनल पे मैं जाऊंगा प्लीज उधर भी ज्वाइन कीजिए आई विल बी कमेंटिंग ऑन मैग्नस गेम और आई एम गोइंग इन अ वेरी गुड मूड नाउ सम हैज सॉल्व 50 पजल्स सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट नीरज सेज सूर्य सर थैंक यू फॉर बीइंग हंबल एंड स्प्रेडिंग इट प्लीज गेट मोर सेम एज समय विद इट चेस बेस या आई वुड लव टू बट आई सिंपली डोंट नो बिकॉज एवरीबॉडी कीप्स आस्किंग यू नो दे वांट टू बिकम मोड So I don't know how to get there. Karthik says very disappointed with Samai endgame play. Cheers. I know there's nothing to be disappointed. Everything is learning. Come on. Either you know, we win, we learn, we lose, we learn. Do like the stream at least. Beth Harmon sends me. What do I think about green tranquilizer? Interesting. Yeah, Kush Gupta, you suggested this, yeah, inches.com, I need the window selected, but I don't know why this happens, even this YouTube thing, I'm unable to get it properly. 26,000, thank you guys, thanks for showing that love. Every day I keep thinking, you know, I'll be doing a chill stream, and... Yeah, soon I'll be doing just normal stream and just chatting with you guys. All right, guys. Ronak is waiting for me, so I will end this stream now. Please join me there in the Ronak stream. I'll be commenting on Magnus game. Magnus is playing Param Maghzoodloo. I have played with both of them actually, number of times. With Param, I played 4 times. I think I won 3 times. I drew once. Magnus, recently I played a classical game which ended in a draw. Which I lost. And I played one rapid where I lost. It is very interesting. It will be very interesting. Parham versus Magnus. And I'm eagerly looking forward to comment on that. And guys, also please join my Discord. I'll get more active there. So, see you guys. Good night. And see you in Ronak stream. Thank you. बाय बाय और रेट कर दीजिए रौनक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बाय बाय ओह बाय द वे व्हाट डू यू थिंक